श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर द्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे वांछाकल्पद्रुभस्य कृपासिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। अगर सब लोग जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। आप सबका स्वागत है। हम लोग उपस्थित हैं आज श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए, तो उन्हीं सब भक्त लोगों को करोड़ों बार प्रणाम करते हैं और कृपा की याचना करते हैं सबसे, जिससे कि श्रीमद् भागवतम से आप लोगों को सुना सकें। तो हम कल श्रवण कर रहे थे कि शौनक आदि ऋषि मुनि नैमिषारण्य में जुट के सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे थे। कौन बताएंगे वो 6 प्रश्न? हाँ, इनको माइक दीजिए, हैंड माइक दीजिए, पीछे हाथ खड़ा कर दीजिए। पहला प्रश्न था आलसी पुरुषों का कल्याण कैसे होगा, सारे वेदों का सार क्या है,
भगवान क्यों अवतार लेते हैं और अवतार लेके क्या लीलाएं करते हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं। चार तो बता दिए, दो बाकी है। सृष्टि कैसे करते हैं? अच्छा अच्छा ठीक है, एकदम सही बता रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम से चले गए तो धर्म किसकी शरण में? हरि बोल। इंग्लिश में बोलते हैं इनको, ये भी बताएंगे। हरे कृष्णा, अच्छा आप जवाब बताइए, इन छह प्रश्नों का जवाब बताइए। सबसे पहले बताइए, आलसी लोगों का कल्याण कैसे होगा? भगवान के नाम का जप करने से या फिर कीर्तन भजन करने से? भगवान का नाम जपने से। दूसरा, शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार गोविंद है। हरि बोल। भगवान गोविंद, भगवान कृष्ण शास्त्रों का सार है। तीसरा, भगवान क्यों प्रकट होते हैं, क्यों आते हैं पृथ्वी पर? परितानाय साधुनां विलासाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनाय सब भवामि। धर्म की स्थापना करने के लिए, साधु रक्षा करने के लिए और असुरों का विनाश करने के लिए। अब भगवान सृष्टि कैसे करते हैं? तो वह हम नहीं बताए थे कल, और मैं नहीं बताया था, छोड़ दिया था आगे। और अवतार लेते हैं तो क्या क्या लीला करते हैं वो आज बताइए। अनेक अवतारों में भगवान क्या लीला करते हैं? छठा प्रश्न, धर्म भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में है? श्रीमद् भागवत के शरण में है। हरि बोल। बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो ये छह प्रश्न जो है, ये श्रीमद् भागवतम पूरे ग्रंथ के पिलर है। इसके ऊपर ये पूरा भागवतम टिका हुआ है। इन छह प्रश्नों का ही मुख्य रूप से उत्तर सूत गोस्वामी देने के लिए कथा सुनाएगी, कैसे परीक्षित की सभा में सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम बोले हैं। तो कल हम सुन रहे थे कि सूत गोस्वामी सर्वप्रथम अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत शुरू किए। तो वास्तव में सूत गोस्वामी जो है, ये रोमहर्षण के पुत्र थे। हम दो सूत गोस्वामी जानते हैं, एक जो भागवत के महात्म्य की कथा बोले थे वो रोमहर्षण सूत है, और उनके पुत्र रोमहर्षणी सूत हुए जो श्रीमद् भागवत की इस कथा को कह रहे हैं। हरे कृष्ण। तो एक बार की बात है कि सूत गोस्वामी रोमहर्षण सूत भागवत की कथा कह रहे थे, कुछ पुराणों की कथा कह रहे थे, और बहुत सारे ऋषि मुनि उस कथा को सुन रहे थे। और उसी समय पैरेलली महाभारत का युद्ध चल रहा था, जिस युद्ध में बलराम जी बोल दिए कि हम भाग नहीं लेंगे, कृष्ण तुमको लेना करो, भाइयों में झगड़ा हो रहा है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे, हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा के लिए। तो बलराम जी तीर्थ यात्रा में चले गए और रास्ते में एक स्थान पहुंचे जहां रोमहर्षण सूत ऋषि मुनियों को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे। तो जैसे ही भगवान बलराम वहां पहुंचे तो सारे के सारे ऋषि मुनि खड़े होकर स्वागत किए बलराम जी का, उनको प्रणाम किए, आसन बहुत कुछ किए, सेवा सत्कार किए, मगर व्यास आसन पर बैठे होने से रोमहर्षण सूत खड़े नहीं हुए। तो बलराम जी देखे कि इसको बड़ा अहंकार हो गया है, अब भगवान आए हैं तो भगवान से बड़ा कोई व्यास थोड़ी ना हो जाएगा। तो भगवान बलराम क्या किए, वहीं से एक घास को उखाड़े और उसी को देके मारे
ब्लेड जैसे काम करता है वैसे वो घास का तिनका काम किया और रो महर्षण सूत का गला काट दिया। तब तो वहां हाहाकार हो गया। सारे ऋषियों ने बोले कि हमें पुराणों की कथा सुना रहे थे, इन्हीं का मर्डर कर दिए है, अब हमें कथा कौन सुनाएगा। तो भगवान बलराम उनके पुत्र रोमहर्षण के पुत्र रोमहर्षणी सूत को आशीर्वाद दिए कि जितना ज्ञान रोमहर्षण सूत को था वो सारा का सारा और प्लस साक्षात भगवान बलराम का आशीर्वाद से उनको वेदों का बाकी सब ज्ञान भी हो जाएगा। दूसरा वेदव्यास जी का आशीर्वाद प्राप्त किए थे। तीसरा, जब परीक्षित महाराज की सभा में सुखदेव गोस्वामी भागवत बोलना शुरू किए तो सूत गोस्वामी बहुत पीछे बैठे थे। एक कारण ये कि छोटी जाति का जन्म था तो अपने अंदर बहुत धन्यता विनम्रता अयोग्यता समझ के सभी ऋषि मुनियों से जाके एकदम पीछे जाके बैठ रहे थे। और जब सुखदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ करने वाले थे तो दूर बैठे सूत गोस्वामी को देखे और उनको आगे बुलाए और सबसे आगे सूत गोस्वामी को बैठाए। बोले कि तुम सबसे आगे बैठो क्योंकि बाद में ये श्रीमद् भागवतम तुमको हजारों ऋषि मुनियों को सुना देंगे। तो सुखदेव गोस्वामी अत्यंत स्नेह सौहार्द कृपा से भर के सूत गोस्वामी को आशीर्वाद भी दिए और भागवत का अधिकारी जान के उनको ये श्रीमद् भागवतम दिए कि आगे चल के तुमको इसको सुनाना है। तो ऐसे विशेष कृपा तो बलराम जी की भी पाए, श्री व्यासदेव की भी पाए, अपने पिता की भी पाए, मगर सबसे ज्यादा विशेष कृपा जीवन में मानते थे सुखदेव गोस्वामी की, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी उनको विशेष रूप से यही सेवा दी है कि ध्यान से सुनो और फिर आगे सुनाना। तो इसीलिए जब भागवत प्रारंभ कर रहे हैं तो गुरु के रूप में सुखदेव गोस्वामी को ही नतमस्तक होते हैं भागवत प्रारंभ किए। तो कल हम सुने कि हम जैसे कलयुग के आलसी लोगों के कल्याण के लिए एक वाक्य में तो कह दिए सेवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्ष देवे अहेतु की अप्रतिहता यात्मा संप्रसिद्धति। यदि हम अहेतु की भक्ति करते हैं अप्रतिहत भक्ति करते हैं तो आत्मा सम्यक रूपेण प्रसन्न हो जाएगी। जो सुख हम जहां तहां ढूंढ रहे हैं, छोटी छोटी चीजों में ढूंढ रहे हैं, माया जगत में माया माइक वस्तुओं में हम सुख ढूंढ रहे हैं, वो चमड़े में सुख है नहीं, चमड़े की वस्तुओं में सुख है नहीं, तो हम खोजते हैं उसमें सुख, कुछ देर सुख मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, मगर बहुत जल्दी वो सुख खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम चिन्मय आत्मा है और आत्मा किसी भौतिक वस्तु से कैसे प्रसन्न हो सकती है। आत्मा का सुख केवल परमात्मा ही पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति जब हम अहेतु की भक्ति करते हैं, अहेतु मतलब बिना भौतिक लाभ की कामना के, केवल ठाकुर जी की प्रीति के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए भगवान की भक्ति की जाए, तो ऐसी भक्ति व्यक्ति के हृदय को एकदम आनंद से भर देती है। और भगवान ने दिया है सबको, ऐसा नहीं कि खाने को मर रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोला करते थे कि लोगों के पास खाने की कमी नहीं है, रहने के लिए जगह की कमी नहीं है, बाकी सुख सुविधाओं की भी आज की डेट में किसी के पास कमी नहीं है। यदि इस जगत में कमी है तो वो कृष्ण भावना के ज्ञान की कमी है। तो सोचना चाहिए कि प्रभु ने इतना दिया है, धन तो हो जाता है, बाकी स्वजन भी है नहीं, वो किसी के स्वजन ऐसे नहीं हो सकते जो हमेशा आपसे प्रेम करे, अब किसी का शरीर ऐसा नहीं हो सकता जिसमें कभी रोग ना लगे, तो ये सब तो चलता रहेगा, मगर फिर भी भगवान काफी अच्छे से रखे हैं। तो क्यों हम भगवान से केवल भौतिक वस्तु मांगे? ऐसे मांगना भौतिक वस्तु भी भगवान से गलत नहीं है, अब भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे भी पूंजी करेंगे। भगवान हमारे अपने हैं। मैं प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे कि कोई पत्नी अगर अपने पति से कुछ मांगे तो गलत नहीं है, वो दूसरे से जाके मांगे तब गड़बड़ है कुछ। तो हमारे अपने तो भगवान है, अगर हम उनसे कुछ मांगते हैं उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, मगर वो सबसे अच्छी भक्ति नहीं माना जाता, वो बिजनेस है भगवान के साथ,
कि ये दोगे तो हम भक्ति करेंगे, नहीं दोगे तो हम दूसरे के पास चले जाएंगे, जो देगा उसी से मित्रता करेंगे। नहीं, हम भगवान के हैं, हम कृष्ण के हैं, हम राम के हैं, उनके अंश हैं, मामे वंश जीव लोके जीव भूता सनातन, हम भगवान के सनातन अंश हैं, कभी उनसे अलग हो नहीं सकते, तो उनकी सेवा में ही हमारा सुख है। कोई ये बात सोच के अगर नित्य निरंतर भगवान की सेवा में लग जाता है तो उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। आत्मा प्रसन्न होने का मतलब इंद्रियां प्रसन्न, बुद्धि एकदम स्पष्ट हो जाती है, मन हमेशा सुख का अनुभव करता है, संपूर्ण आत्मा आनंद की प्राप्ति करती है। और दूसरी बात क्या सुने थे, एक तो ये बताया, दूसरा बोले कि धर्म सुनिश्चिता तुम सब विश्वसेन कथा सुनिया नोत्पादे जदिरति संगेहि केवलम। कह रहे धर्म का खूब बढ़िया से आचरण किया जाए, मगर वो सारा धर्म का आचरण मिला के हमें भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न ना कर पाए, भगवान के नाम के प्रति आकर्षण ना हो, भगवान की कथा के प्रति आकर्षण ना हो, तो श्रम एवही केवलम, केवल हमने मेहनत किया, परिश्रम किया, परिश्रम किया और कुछ हासिल नहीं हुआ। धर्म किया, सब कुछ किया, उससे कुछ भौतिक लाभ मिला तो भौतिक लाभ तो एक दिन नष्ट हो जाएगा ना शरीर के साथ, तो अंत में देखा तो हाथ कुछ नहीं लगा। मगर यदि भगवान से हमारा प्रेम का संबंध हो गया, भगवान के प्रति आकर्षण हो गया, उनका नाम भजन में कथा में रुचि जागृत हो गई, तो फिर जीवन में संपूर्ण रूप से कल्याण मिल जाता है। आप देखेंगे विशेष रूप से जब व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, 50, 55, 60 होता है, तो मन में बहुत चिंताएं बढ़ जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि बचपन में चिंताएं नहीं और कम रहती हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है चिंताएं बढ़ती रहती हैं। 50-55 के बाद विशेष रूप से जिस व्यक्ति को भगवान के भजन में रुचि नहीं होती, उसको केवल कलेश ही कलेश है। बेटा सुनेगा नहीं, पिता कमाता नहीं, अब बेटे को वो नहीं सुनेगा। आप कितना पूजा पाठ कर लीजिए, पंडितों के पास जाइए, हाथ दिखाइए, यज्ञ कीजिए, कुछ भी कीजिए, प्रभु जी कुछ ऐसा कर दीजिए कि बेटा सुनने लगे, हम नहीं सुनेगा, हो गया। और ज्यादा बीमार हो जाएंगे, जब बिस्तर पे आ जाएंगे तो मुंह भी खोलेंगे तो बेटा चुप कर दिया करेगा, तुमको कुछ पता है संसार का, हमेशा अपनी भेबे चर्चे करते रहते हो, बड़ा कष्टदायक बड़ा बहुत है। पानी देने में दिक्कत होती है, खिलाने पिलाने में बच्चों को दिक्कत होती है, किसी किसी के बच्चे अच्छे निकल जाते हैं, मगर फिर शरीर में इतना रोग और कलेश रहता है कि अच्छे बच्चे क्या शरीर के अंदर घुस के रोग ठीक कर देंगे ना। विशेष रूप से उम्र बढ़ते बढ़ते यदि भगवान के भजन में रुचि नहीं हुई तो बहुत कष्ट, बहुत कष्ट, चिंताएं एकदम अपरिमेय चिंताएं रहती है। वो चाहता है, भोग भोगना चाहता है, कुछ अच्छा खाना चाहता है, मगर एपेटाइट खत्म हो गया, खाएगा कैसे, डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया आपको शुगर हो गई है, मीठा नहीं खाना, आपका बीपी बढ़ गया, अभी भी नहीं खाना, तलावा नहीं खा सकते, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, वो खाने की चाह है, खा नहीं सकता, ये कलेश है। कुछ बोलना चाहता है, लोगों को शिक्षा देना चाहता है, मगर उसकी शिक्षा कोई सुनना नहीं चाहता, ये कलेश है। हर तरीके से कलेश ही कलेश है। यदि समय रहते करते भगवत भजन में रुचि नहीं हुई, भगवान से प्रीति नहीं हुई, तो बाद में मरने के बाद नरक जाएंगे, ये वो सब तो छोड़िए, यही बुढ़ापा कितना कष्टमय हो जाएगा वो हम सोच नहीं सकते हैं। कुछ लोगों का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। समय रहते करते साधन भजन करके भगवान से प्रेम जोड़ना चाहिए, और यदि भगवान के नाम अनुकूल लीला में प्रेम नहीं हो रहा तो अनेक धर्म का कार्य करने पर भी व्यक्ति उस सुख शांति सुख को जो ढूंढ रहा है वो उसको नहीं मिलता, क्या केवल परिश्रम किया। तो बोले फिर धर्म नहीं करना चाहिए, के बोले करना चाहिए, मगर धर्म से है अपवर्ग से ना अर्थ और कल्पते, धर्म कह रहे हैं केवल अर्थ के लिए नहीं करना चाहिए, धर्म से अर्थ मिलता है और अर्थ से इच्छाओं की पूर्ति होती है, भजन देना, ऐसे लोग बोलते हैं संसार में राम नाम से मिले मुक्ति और पैसे से सब काम, राम नाम से मुक्ति मिले और पैसे से सब काम, हम सब जानते हैं जगत में,
कि पैसे से सारी कामनाएं पूरी होती है। कह रहे मगर धर्म केवल पाई के लिए नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए धर्म? धर्म मुक्ति के लिए करना चाहिए। बोले अच्छा धर्म करेंगे तो कुछ धन जरूर आएगा, ये निश्चित बात है। अगर आप भगवान का पूजा करते हैं, कुछ पाठ करते हैं, यज्ञ दान आदि करते हैं, धर्म करने से अर्थ बढ़ता ही बढ़ता है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति पुण्यवान हो, धार्मिक रास्ते पे चले और उसको अर्थ की प्राप्ति ना हो, धन तो बढ़ेगा। तो कह रहे हैं धन जो है वो केवल कुत्ते और सुअर जैसे अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए नहीं है। हम तो भागवत के शब्द से बोले ना हम देह देह भाजन लोके कष्टान कामान अर्हते बिड़ुजाम थे। बिड़ुजाम मतलब मल खाने वाला। मल कौन खाता है? मनुष्य तो मल नहीं खाता, गाय मल नहीं खाती, कौन मल खाता है? सुअर मल खाता है। तो भागवत के शब्द से ही कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इसके लिए नहीं है कि धन आ गया अब खूब खाओ, ये करो, अब खूब भोग लीजिए, क्लब में जाइए, डिस्को में जाइए, शराब पीजिए, सिगरेट पीजिए, खूब तंबाकू खाइए, खूब मांस मच्छी खाइए, कितना दिन खा लेंगे? जब एक दिन आपका पुण्य खत्म हो जाएगा तो इंद्र तृप्ति का सप्लाई ऑफ कर दिया जाएगा, और उसके बाद जब उस सारे कर्मों का दंड मिलेगा तब पता चलेगा। अभी तो मजा आ रहा है, अभी तो मजा आ रहा है, और मजा कितने दिन चलेगा? हम सबका अनुभव है, कई दिन मजा आता है, मजा के बाद सजा आती है। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, तभी तो पड़ेंगे नरक में यमराज के डंडे। तो अभी हम सोच रहे हैं कि अपने अर्थ से हम खूब पाप करेंगे, शराब पिएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मगर एक दिन इस इंद्र तृप्ति का सप्लाई बंद कर दिया जाएगा जब पुण्य खत्म हो जाएगा, और उसके बाद बहुत पिटाई की जाएगी। अब नहीं विश्वास तो जो पिट रहे हैं उनसे पूछ लीजिए, पिटते हैं, दुखते हैं, तभी तो जाते हैं पंडितों के पास, थोड़ा हाथ दे दीजिए। क्यों जाते हैं जन्म पत्री दिखाने? क्यों हाथ दिखाने जाते हैं? क्यों दुखी होते हैं? क्यों रोते हैं? ये माया पिटाई कर रही है, इसको समझना चाहिए। तो अर्थ किसके लिए है? अर्थ है वापस धर्म में लगा देने के लिए। तो बोले आज से क्या हम रोटी नहीं खाएं? आप बोल रहे हैं कि इंद्र तृप्ति ना करें, कुछ खाएं नहीं, क्या हम सोए नहीं, ये सब नहीं करें? तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि कीजिए, मगर इंद्र तृप्ति बस उतनी करनी चाहिए जिससे शरीर और आत्मा एक साथ रह जाए। इसके लिए एक कहावत है अंग्रेजी में, एक होता है ईट टू लिव और एक होता है लिव टू ईट। कुछ लोग बोलते हैं हम जीते हैं खाने के लिए। अभी जैसे सब लोग गए हैं भोज भात, आज ज्यादा लगन है तो आज लोग खूब खाने पीने के लिए गए हैं। तो लोग बोलते हैं हम जीते हैं खाने के लिए, तो ये तो पशुओं का जीवन है, पशु जीता है किसके लिए? खाने के लिए। मगर हम खाते हैं किसके लिए? जीने के लिए। ये मनुष्य की चेतना का स्तर होना चाहिए। तो खाएं कितना? जीवन जीने के लिए। सोएं कितना? जीवन जीने के लिए। बाकी इंद्र तृप्ति भी कीजिए, कोई मना नहीं किया, मगर कितनी मात्रा में करनी है कि ये शरीर आत्मा साथ रह जाए, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य ये इंद्र तृप्ति नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है ये जानना कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, उनसे मेरा क्या संबंध है, इस भौतिक जगत में बार बार मुझे कष्ट क्यों दिया जा रहा है। जब सुबह से लेकर रात तक हर दिन मैं इसी के लिए काम कर रहा हूँ कि मेरे कष्ट खत्म हो जाए, तो मेरे कष्ट बदले में बढ़ क्यों रहे हैं? ये सवाल पूछने के लिए मनुष्य जीवन दिया गया है। अथात तो भ्रम जिज्ञासा। अब देखिए, अभी हम मान लीजिए कोई कुत्ता है, अब कुत्ते को एक लाफा मार दीजिए, एक डंडा मार लिया, क्या करेगा? थोड़ा सा भोगेगा और उसके बाद फिर जीव दिखाना, बस यही सब। किसी मनुष्य को आप लाफा मार दीजिए, क्या करेगा? क्या करेगा? पूछेगा मुझे क्यों पड़ी, मुझे क्यों मारा? कुत्ता नहीं पूछेगा, मनुष्य पूछेगा।
तो मनुष्य शरीर इसलिए दिया है कि हम पूछें, तत्व की जिज्ञासा करें, उसके लिए मनुष्य शरीर दिया कि पिटाई हो तो पूछिए क्यों पिटाई हुई मेरी। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि धर्म का आचरण केवल पैसे के लिए नहीं करना चाहिए, पैसा केवल इंद्र तृप्ति में नहीं लगाना चाहिए, पैसा मिलेगा धर्म करने से वापिस धर्म में लगाओ, इंद्र तृप्ति इतनी करो जिससे कि शरीर मेंटेन हो जाए और बुद्धि इतनी खुली रहे कि व्यक्ति जिज्ञासा कर सके परम तत्व की, और उस जिज्ञासा में लगना चाहिए और उस तत्व को जान के उन परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। कह रहे अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरि कृष्णम्। मनुष्य शरीर में इस चेतना में व्यक्ति को रहना चाहिए कि जो कुछ करे भगवान की संतुष्टि भगवान की प्रीति के लिए करे। मनुष्य जीवन की सफलता किसमें है, सक्सेस किसमें है, संसिद्धि हरि कृष्णम्। यदि भगवान हमसे संतुष्ट हो गए तो हमारे सारे कर्म ठीक हो गए। कर्म वही हरि तोषम जर सब विद्या कर्मति रया। कर्म वही कर्म है जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए, और विद्या वही विद्या है जिससे मन भगवान के चरण कमल में लग जाए, और नहीं तो फिर बड़ा दुखी दुख है। तो भगवान के चरणों में मन कैसे लगे, भगवान कैसे संतुष्ट हो, तो उसके लिए कह रहे हैं श्रीमताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय तो है भद्राणी विज्ञोति सुहृदसताम। एक व्यक्ति संसार में कैसे क्रमशः मुक्ति को पाता है उसको सूत गोस्वामी कह रहे हैं। कहाँ से शुरू होगा, कह रहे श्रीमताम स्वकथा कृष्ण। जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनना शुरू करता है, पूछे कैसी कृष्ण कथा, कह रहे पुण्य श्रवण कीर्तना, ये जो कीर्तन है, ये जो श्रवण है कृष्ण कथा का, ये अपने आप में ही पुण्य कर्म है भाई। बाकी पुण्य कर्म आपको मेहनत करके करना पड़ेगा, जैसे कुआ खुदवाना, हॉस्पिटल खोलना, कुछ और समाज सेवा का काम करना, बड़ी मेहनत करके करते हैं तो थोड़ा सा पुण्य मिलता है। मगर कृष्ण के बारे में अगर आप सुनते हैं तो सुनने से ही आपका पुण्य हो जाता है। पुण्य श्रवण कीर्तन, ये श्रवण कीर्तन अपने आप में सबसे पुण्य का कार्य है, और ये श्रवण कीर्तन करने से क्या होता है, हृदयस्थ है भद्राणी विज्ञोति सुहृद सताम। वो सुहृद सताम, वो भगवान जो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, उनका हित करना चाहते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण के बारे में सुनने से भगवान हृदय में उसके जितने अभद्र हैं, जितना उसकी अकल्याणकारी वस्तुएं हैं, हृदय की सफाई भगवान कर देते हैं, उसमें से काम हटा देंगे, क्रोध हटाएंगे, लोभ हटाएंगे, मोह मद मत्सर ये सब दूर कर देते हैं भगवान। ये सब अभद्र है, और जितनी गलत आदतें हैं, जैसे शराब पीना, तो शराब पीना वास्तव में कुछ अच्छा काम है। अच्छा, लोग शराब क्यों पीते हैं, पर हम एक शराबी से पूछे क्यों पीते हो शराब, बोलते हैं शराब पीते हैं तो सब भूल जाते हैं, तो भुलाने के लिए शराब पीते हैं। कितनी देर भूल जाओगे, 7 घंटे 8 घंटे, अच्छा कैसा भूले। तो एक शराबी जो बहुत ज्यादा दारू पी लेता है, एक तो अपनी पत्नी का जेवर बेचा, घर में गाली गलौज के, ये सब तो कलेश ही बड़ा, केवल पैसा खत्म हो जाता है तो लोन ले लेके शराब पीते हैं, और इतने पे बात खत्म नहीं होती है, वो इतना शराब पी लेता है कि सड़क पे कैसे पड़ा रहता है, कभी कभी किसी किसी शराबी के ऊपर कुत्ता जाके बैठ जाता है। ये सुख है, ये कोई सुख है, कुत्ता गली का कुत्ता बैठ जाता है। और एक बार तो हम देखे दिल्ली में, एक शादी की बात है कि एक व्यक्ति शराबी खूब शराब पी लिया, और वही पंडाल के बाहर, शादी के पंडाल के बाहर वही सड़क पे पड़ा रहा था। तो रात का 1:30 बज गया, तो कुछ लोग देखे बहुत देर से पड़ा है और जाग भी नहीं रहा। उसकी पत्नी को फोन लगा दिए कि आपके पति यहाँ पर पड़े हुए, आके ले जाइए। तो अपनी आंखों देखी बता रहा हूँ, जब उसकी पत्नी आई वहां पर, उसकी शक्ल तो दिख नहीं रही थी। तो अब शराबी को हाथ से छूने का किसी का मन नहीं करता है, उसकी अपनी पत्नी पैर से चेक की अपने हैं या नहीं, क्या इज्जत रह रही बताइए। ये अभद्र है, मगर शराब पीने वाले को लगता है कि यदि मैं शराब नहीं पीऊंगा तो जी नहीं पाऊंगा। सिगरेट पीने वाले को लगता है मैं सिगरेट नहीं पीऊं, बीड़ी नहीं फूकूं तो मर जाऊंगा। मर गए, ये सारी लाश दिख रही है क्या, हम सब लाश हैं, हम कभी सिगरेट नहीं पीते, कभी शराब नहीं पीते,
ये सब अभद्र वस्तु है, हृदय में एक जाल फंसा हुआ है, तो उस जाल को भगवान खोल देते हैं, उस जाल से मुक्त कर देते हैं। और जब इन पाप कर्मों से कोई व्यक्ति मुक्त होता है, इतना आनंद महसूस करेगा, इतना आनंद। देखिए दुख क्यों है, जब हम पाप कर्म करते हैं, मन अपवित्र होता है तो व्यक्ति दुखी रहता है, और जितना मन शुद्ध रहेगा उतना आप खुश रहेंगे। जितना मन शुद्ध है, और मन अगर अशुद्ध है, गलत आचरण कर रहे हैं, सब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, मन अपवित्र रहेगा, जब मन अपवित्र रहेगा तो व्यक्ति दुखी रहेगा। तो भगवान क्या करते हैं, हृदय में आके जितना उसका अभद्र है वो सब दूर कर देते हैं, इसको अनर्थ निवृत्ति बोलते हैं। सारे अनर्थों से, सारे कष्टों के कारणों से ही वो मुक्त हो जाता है। कौन? जो कृष्ण की कथाओं को सुनता है, ऐसा होता है। तो कह रहे नष्ट प्रायश भद्रेशु नित्यम भागवत सेवाया भगवति उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नष्ट की। हम लोग कथा कर रहे थे उधर गाँव में, तो एक व्यक्ति प्रश्न पूछे थे कि हम सुने हैं कि भागवत को 7 दिन में पूरा कर देना चाहिए, तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 18 कह रहे हैं नष्ट प्रायेश भद्रेशु नित्यम भागवत सेवा। श्रीमद् भागवत को 7 दिन ही नहीं सुनना चाहिए, इसको नित्य सुनना चाहिए। नित्य सुनने से क्या होगा, अगर आप प्रतिदिन भागवत सुनेंगे, नियम बना के भागवत सुनेंगे, तब नष्ट प्रायेश भद्रेशु जितना अभद्र है, जितना आपके दुख का कारण है, सारा नष्ट हो जाएगा। तो 7 दिन से भी फायदा होता है, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं होगा, मगर 7 दिन के बाद प्रतिदिन देखिए होता क्या है। जैसे माँ को अपने बच्चे को कुछ चीज खिलानी है, बहुत स्वादिष्ट वस्तु है, मगर बच्चे को उसका टेस्ट नहीं पता, तो अब क्या करे माँ, क्या करती है, एकदम स्वादिष्ट कुछ चटनी है, बच्चे को खिलाना चाहती है, मगर चटनी का रंग देख के बच्चा बोलता है कि नहीं हमको नहीं खानी, कड़वी होगी, तो माँ क्या करती है, मीठी चटनी है, थोड़ा सा उंगली पे लेगी, जीभ पे चटा देना, अच्छा तो मीठी निकली तो क्या बोलता है, खाऊंगा। तो ये 7 दिन का आयोजन इसीलिए किया जाता है, थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए, थोड़ा चस्का लगाने के लिए कि अच्छी है ना, देखो कितना संसार में दुख भोग रहे थे, देखो कितना कलेश में फंसे थे, पाप कर्म कर करके हमेशा चिंताग्रस्त रहते थे, भागवत केवल सुनने से कितना सुख दे रहा है, तो जब 7 दिन सुख दे रहा है तो जो रोज सुनेगा उसको कितना देगा। तो ये 7 दिन का प्रोग्राम केवल आपको चटनी चटाने के लिए है, एक बार चटनी बढ़िया से चाट गए, चस्का लग गया, तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कोई छुड़ाना चाहेगा तब भी नहीं छोड़ पाएंगे। तो नष्ट प्रायेश अभद्रेशु जितना अभद्र है, हमारा जितना अमंगल है प्राय सारा नष्ट हो जाता है, यदि कोई नियम बना के नित्य भागवत की सेवा करे। भागवत सेवा मतलब ग्रंथ भागवत, और जो भक्त भागवत का जीवन जीते हैं, ऐसे भक्त भागवतों की सेवा करने से जितना अमंगल, जितना अनर्थ है सारा दूर हो जाता है, और भगवती उत्तम श्लोक के भक्ति भगवती नष्टी। इस प्रकार से भगवान की भक्ति में दृढ़ मन लग जाता है। कई लोगों का प्रश्न होता है कि हमारा मन नहीं लगता है, हमारा मन नहीं लगता है, कोशिश करते हैं, 2-4 दिन करते हैं, महीना 2 महीना करते हैं, फिर छूटने लगता है नहीं हम, तो कारण क्या है कि रोज सुनते नहीं है। यदि रोज सुनेंगे ज्ञान बना रहेगा तो भक्ति में एकदम आगे चलते रहेंगे, भक्ति में फिक्स हो जाएंगे, भगवत भक्ति निश्चिति हो जाएगी। और तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयस्तये, जब व्यक्ति भक्ति में स्थिर होने लगता है तो उसका रजोगुण और तमोगुण का भाव जाने लगता है। तमोगुण में क्या होता है कि व्यक्ति हिंसा में, आलस में, काम को टालने में सुख मानता है, दीर्घ सुसरी, कल करेंगे, अरे परसों करेंगे, अरे कर देंगे ना, अच्छा देखेंगे, अरे सोचेंगे, 1 घंटे का काम होगा उसको 10-10 दिन चला देता है, तमोगुण का लक्षण है। आप किसी कोर्ट कचहरी में चले जाइए, जो केस 6 महीने में किया जा सकता है, जज साहब 30-30 साल लटका है, करते नहीं होते, इसको दीर्घ सुसरी बोलते हैं। जब प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिंह महाराज के पिता थे भक्तिनाथ ठाकुर, तो जब वो जज की पोस्ट पे थे
जो काम सरकार की दृष्टि से महीने भर को आता था, भक्ति लो ठाकुर जी एक दिन में उसको पूरा करते। तो उस समय अंग्रेजी सरकार थी, वो लोग इतने प्रभावित थे भक्तों ठाकुर जी से, और भक्तों ठाकुर भगवान के भक्त थे, शुद्ध वैष्णव थे, और इतना सारा उनको भगवान की सेवा रहती थी, ग्रंथ का लेखन कार्य, भगवान का नाम जप करना है, कई लोगों से मिलते थे, उनको भगवान भक्ति के उनके संशयों का निवारण करते थे, बहुत सारी सेवाएं थी। तो बार बार अपनी नौकरी से रेजिग्नेशन दे देते थे। तो विदेशी सरकार उनको बोली कि आप रेजिग्नेशन मत दीजिए, हम आपके घर तक रेलवे स्टेशन बना देते हैं, आपका टाइम बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो आज भी आप जाएंगे उधर बंगाल में कृष्णा नगर रेलवे स्टेशन है, भक्तियों ठाकुर के घर के बाहर अंग्रेजी सरकार ने रेलवे स्टेशन बना दिया था कि आप सीधा कोर्ट आइए, काम कीजिए, वापस जाइए, आपका टाइम खराब नहीं होगा। तो सत्वगुण में कोई व्यक्ति रहता है उसकी कार्य शक्ति बढ़ जाती है, और तमोगुणी व्यक्ति का कार्य टलता रहता है, टलता रहता है, टलता रहता है। रजोगुण में बहुत कामनाएं होती है, मैं इसको लूट लूं, उसको लूट लूं, यहां से भी पा लूं, यहां से भी कमा लूं, ये भोग लूं, ये खा लूं, यहां ये कर लूं, वो कर लूं। रजोगुण में बहुत सारी इच्छाएं रहती है, तो व्यक्ति बंदर की तरह काम करता रहता है। काम सत्वगुणी व्यक्ति भी कर रहा है, वो रजोगुणी व्यक्ति से ज्यादा काम कर सकता है, मगर रजोगुणी व्यक्ति कैसे काम करता है? अब बंदर को देखे हैं, एक सेकंड भी खाली नहीं बैठता, मगर काम का काम कितना करता है। इस तरीके से देखिए, आज की डेट में किसी से पूछिए, सब बोलेंगे बिजी लाइफ है। किसी को बोलिए कि आप माला करा दीजिए भगवान, कहाँ टाइम मिलता है? अच्छा, तुमको खाने का टाइम मिलता है, तुमको सोने का टाइम मिलता है, पड़ोसी को गाली देने का टाइम मिलता है, और नेतागिरी, मतलब नेता है तो करनी पड़ेगी, मगर जो लोग नेता नहीं है वो नेतागिरी करने में टाइम वेस्ट करते हैं। क्रिकेट देखने के लिए टाइम मिल जाता है, तुमको बाकी सब पाप कर्म करने के लिए टाइम मिल जाता है। और आज की डेट में लड़के लड़कियों को फोन पे 10-10 घंटे बात करने के लिए टाइम मिल जाता है, और यही भागवत लेके बैठा दो तो बोलते हैं आप दुखी आ रही है। स्थिति है, कारण क्या? रजोगुण है। तो रजोगुण में व्यक्ति बहुत बिजी है, मगर कैसा बिजी है? बंदर जैसा बिजी है। काम का कोई काम नहीं करेगा, और व्यस्तता कितनी है? 24 घंटे टाइम ही नहीं उसके पास। तो जब हम भगवान की भक्ति नित्य रूप से करते हैं, नियम बना के करते हैं, तो रजोगुण का भाव खत्म होने लगता है, तमोगुण का भाव खत्म होने लगता है। तदा रजस तमो भाव, और रजोगुण की वजह से काम लोभा द्वेष, ये जो इतनी सारी कामनाएं हृदय में, ये घटने लगती है। और जो लोभ है, लोभ किसको बोलते हैं? देखिए, अगर कोई इच्छा हमारी पूरी हो जाती है तो और चाहिए, इसको लोभ बोलते हैं। कोई इच्छा है मन में पूरी नहीं होती है तो क्रोध बोलते हैं। हम कुछ चाहते हैं, हम क्यों दुखी होते हैं? हमने योजना बनाया, ये चीज ऐसी होनी चाहिए, अगर ऐसी हो गई तो हम खुश हो जाते हैं, अगर भगवान ने ऐसी कर दी तो हम दुखी हो जाते हैं। मन में जो सोचे हैं, इच्छा पूरी हुई तो खुश, इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुखी, बस सुख दुख यही है और कुछ नहीं है। तो ये लोभ की बीमारी, क्रोध की बीमारी, काम की बीमारी हरि कथा सुनने से ठीक हो जाती है, मगर अगर हम इसको रेगुलरली करते हैं, नियम बना के करते हैं, तो चेता एते रनावितम सित्तम सस्ते प्रसन्नति, तब वो व्यक्ति सत्वगुण में अवस्थित हो जाता है तो हमेशा प्रसन्न रहता है। हम तो कई बार बड़ा आश्चर्य करते हैं कि कितना सारा लोग ऐसा दिखाई देता है कि किसी भक्त को देखेगा तो मन में खुशी नहीं होती, तमोगुण है, तमोगुण है, नहीं तो भगवान को देख के मन एकदम नाचने लगना चाहिए। तुलसी महारानी को देख के, ठाकुर जी को देख के, भगवान का नाम कीर्तन सुन के तो मन नाचने लगना चाहिए, मगर इतना तमोगुण, इतना तमोगुण कि कई बार अंदर चिड़चिड़ापन होता है। भक्त को देख के चिड़चिड़ापन होना चाहिए, एक साधु को देख के किसी के मन में चिड़चिड़ापन आना चाहिए। और साधु सबके कल्याण के लिए कार्यरत है, भगवान से उसका संबंध है, किसी भक्त को देख के मन एकदम प्रफुल्लित हो जाना चाहिए, आनंदित हो जाना चाहिए।
मगर सत्वगुण के अभाव के कारण, तमोगुण के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता है। कितनी बार देखा जाता है, कोई भक्त सामने दिखेगा तो हरे कृष्ण कभी बोलेंगे। अच्छा चलिए बोलिए, हम हरे कृष्ण वाले नहीं है, हम सीताराम वाले हैं, तो भाई सीताराम बोल दो, इतना तो बोलोगे नहीं बोलोगे, चिड़ोगे। इस संसार में कितना आपको भक्त दिखाई देता है, संसार की पॉपुलेशन कितना करोड़ है और उसमें से वैष्णव कितना है, कितना भगवान का नाम जपने वाला है, बहुत थोड़ा है। तो उनको देख के मन कितना प्रफुल्लित होना चाहिए। तो इस तरीके से जब व्यक्ति सत्वगुण में रहता है उसको आनंद रहता है, प्रसन्नता रहती है, और व्यक्ति अंदर से खुश रहेगा तो उस खुशी को सबको बांटेगा। जब अंदर से ही दुखी हैं तो जिससे मिलेंगे उससे चिड़चिड़ापन दिखाएंगे। तो चिड़चिड़ापन वास्तव में ये नहीं है कि उस सामने वाले ने हमें दुख दिया है, चिड़चिड़ापन इसलिए है कि हम अंदर से ही फ्रस्ट्रेटेड बैठे हैं, सामने जो मिल गया उसी से निकाल दिया है ना, ना? मगर अंदर से जब हम प्रसन्न रहेंगे, अंदर से खुश रहेंगे तो संपूर्ण जगत आपको सुखमय दिखाई पड़ेगा, विश्वम पूर्ण सुखाय थे। ये कब होगा, जब इस प्रकार से हम भगवत भक्ति का आचरण करेंगे, अंदर भगवान की लीला कथा नाम रूप आदि का आनंद अनुभव करेंगे, तब संसार में हर जगह आनंद ही आनंद हो जाएगा। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योग्यता भगवत तत्व ज्ञान मुक्त संगस्य जायते। और इस प्रकार से जब मन प्रसन्न हो जाएगा तो भगवत भक्ति योग्यता, तब जब हम भक्ति करेंगे तो उससे एक एक चीज एकदम साफ समझ में आएगी। भगवत तत्व विज्ञानम, भगवान के इस तत्व का विज्ञान बढ़िया से प्रकाशित होगा और मुक्त संगस्य जायते, इस संसार की आसक्तियों से मुक्त होके जायते, उसकी सब जगह जय हो जाएगी। मतलब माया पर जय प्राप्त करके भगवान के इस भौतिक जो बाहरी जगत है, इस जगत के आकर्षण से निकल के उसका शुद्ध प्रेम ठाकुर जी के चरणों में हो जाएगा। जब शरीर छोड़ेगा तो सीधा भगवान के धाम जाएगा, और जब तक इस शरीर में रहेगा मन उसका कोई कलेश नहीं पाएगा, केवल भगवान के प्रेम में ही रहेगा चौबीस। ये क्रम है। तो सबसे पहले क्या, भक्ति का आचरण करें, आदौ श्रद्धा, जब श्रद्धा हो कृष्ण भावना मिले कितना अच्छा है, भगवान की भक्ति कितना अच्छा है, अगर हम राम जी की चेतना में रहते हैं तो कितना अच्छा है, प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखे कोसलपुर राजा। जब हनुमान जी जा रहे थे लंका में प्रवेश कर रहे थे तो लंकनी रोक दी, हनुमान जी एकदम छोटा सा बनकर जा रहे थे, लंकनी रोकी, बोली कहां जा रहे हो, ऐसा कोई चोर नहीं जो मेरी नजर से बच सके। तो हनुमान जी उसी समय अपने रूप में हुए और एक मुक्का देके मारे। कभी कभी साधु की गाली और साधु की पिटाई बहुत काम कर जाती है। जैसे ही लंकनी को मुक्का पड़ा तुरंत भगवत चेतना में आ गई, बोली प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखो कोसलपुर राजा। भगवान श्री रामचंद्र को हृदय में धारण करके आप नगर में प्रवेश कीजिए, सारा काम बन जाएगा। हनुमान जी बोले ये कौन सा फिलोसफी है, तो बोली गरल सुधार को करही मिटाई, गोपद सिंधु अनंत सितलाई। जिस जो मन में भगवान को धारण करके काम करने के लिए निकलता है तो गरल सुधा उसके लिए विष भी अमृत की तरह हो जाता है। जैसे मीराबाई, मीराबाई को राणा क्या पिला दिया, चरणामृत में जहर मिला के पिला दिया, वो जहर भी उसको जहर का काम नहीं किया, अमृत का काम किया। क्यों, क्योंकि मन गिरधारी में लगा हुआ था। तो गरल सुधा रिपु कर ही मिटाई, और शत्रु मित्रता करने लगते हैं। भगवान श्री चेतन महाप्रभु जब झारखंड के जंगल से नाम कीर्तन करते करते जा रहे थे तो दो ऐसे पशु जो स्वाभाविक वैर करने वाले हैं एक दूसरे से गले लगा लगा के नाम कीर्तन कर रहे थे। और इसी प्रकार जब श्री शिला प्रभुपाद जी पूरे विश्व में हरि नाम संकीर्तन का प्रचार किए, आज भी आप वृंदावन या मायापुर जाके देख सकते हैं कि वहाँ काले लोग, गोरे लोग, अफ्रीकी, अमेरिकी, सारे के सारे लोग, भारतीय लोग, किसी जाति किसी प्रांत के लोग, सब लोग एक साथ मिलके भगवान का नाम कीर्तन करते हैं और उसमें नाचते हैं। कोई भेदभाव, कोई वैर, कोई शत्रुता नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।
हरे हरे। अलौकिक सुख है गरल सुधा रिपु कर ही मिटाई और गोपद सिंधु, ये संसार समुद्र अथाह है, इसको पार करना बहुत मुश्किल है, मगर जिसका मन भगवान राम के चरणों में लग जाता है, संसार समुद्र सुख के गोपद सिंधु, ये पूरा समुद्र सुख के गाय के खुर से सब गड्ढा बन जाए। आप लोग तो देखे होंगे गांव में रहते हुए बरसात के मौसम में, तो कभी गाय चलती है तो कीचड़ रहती है, कुछ गड्ढा बन जाता है, बारिश का मौसम है तो उसमें पानी भर जाता है। अब उस गड्ढे में पानी भरा हुआ है और आप तब तक वहां जाते हैं तब तक कोई आपको साथ, अरे ध्यान से जाना एक बहुत बड़ा समुद्र पड़ेगा। अरे समुद्र पड़ेगा, वो तो हमारे पैर से साइज से भी छोटा है, यूं ही पार कर जाएंगे। तो जो व्यक्ति का मन भगवान में लग जाता है, भगवान की भक्ति में फिक्स हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए संसार समुद्र सुख के इतना छोटा सा हो जाता है, अनायास पार हो जाता है। गरल सुधा रिपु करही मिटाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। और ऐसे व्यक्ति के लिए आग भी शीतल हो जाती है, जैसे प्रहलाद महाराज को होलिका अपनी गोद में लेके बैठ गई, होलिका को वरदान था कि जलेगी नहीं, और जैसे ही आग जलाई होलिका जल गई, प्रहलाद महाराज बच गए। भाई क्या साइंस हो गई है? तो क्योंकि प्रहलाद महाराज का मन भगवान के चरणों में लगा था, वो आग भी प्रहलाद के लिए शीतल हो गई, और होलिका को इतना देवताओं का वरदान था, सारा वरदान फेल कर दिया। फेल इसलिए कर दिया कि भक्त के खिलाफ साजिश कर रही थी, सारा वरदान फेल कर दिया। तो लंकनी हनुमान जी को बोली कि भगवान में चित्त लगाने से इतना बड़ा लाभ कि प्रभिसि नगर की जय सब राजा हृदय रखी को संपूर्ण राजा गरल सुधा रिपु कर ही मिटाई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। तो इस तरीके से यदि हम नियम पूर्वक भक्ति करते, एक इच्छा सबसे पहले जरूरी है, श्रद्धा कि भगवान की भक्ति कितनी अच्छी है। तो ऐसी श्रद्धा होने के बाद दूसरी चीज क्या, साधु संग। अब हम भगवान के प्रमाणिक भक्तों के संग में आएंगे, तो भक्तों के संग में जब आते हैं तो हमें ज्ञान होता है, भगवान की महिमा का ज्ञान होता है, भगवान की कृपालुता का ज्ञान होता है, भगवान की ईश्वरता का ज्ञान होता है, उनकी भगवत्ता का ज्ञान होता है, उनकी परम सत्ता का ज्ञान होता है, और हमारा विश्वास शास्त्रों की तरफ मुड़ने लगता है। पहले देखा देखी होता है ना, पहले कुछ देखा देखी होता है, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, मगर साधुओं के, असली साधुओं के संग में आने से हमारा विश्वास भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, श्री रामचरितमानस में, महाभारत में, इन पुराणों में, वेदों में हमारा विश्वास रहता है। तो आगे वो श्रद्धा तथा साधु संग अथवा भजन क्रिया। अब भक्तों के संग में आने के बाद जब ज्ञान होता है तो व्यक्ति अब भजन करना शुरू करता है, तब तक भजन नहीं करता, तब तक थोड़ा इधर आवारा गर्दी कर ली, थोड़ा उधर आवारा गर्दी कर ली, थोड़ा उधर घूम लिए, थोड़ा उधर घूम लिए, थोड़ा मेला देख लिए, थोड़ा ये कर लिए, थोड़ा वो कर लिए। भागवत मतलब क्या? बहुत सारे लोगों के मन में धारणा है कि भागवत मतलब मेला, झूला लगेगा, ये होगा वो होगा, और दूसरा चाट पकौड़ी। जानते हैं दिल्ली में ऐसे हजारों लोग हैं जो हर रविवार वृंदावन जाते हैं, बांके बिहारी जी का दर्शन करने नहीं जाते। उनसे पूछिए कभी, बोलेंगे बांके बिहारी के पास लस्सी मिलती है वो पीने जा रहे हैं, टिक्की मिलती है टिक्की खाने जा रहे हैं। तो भजन नहीं करते, जाते हैं किसके लिए? अपनी मौज मस्ती के लिए जाते हैं। मगर साधु संग में आते हैं, ज्ञान होता है, तो फिर भजन क्रिया शुरू होती है। हम नियम बनाते हैं, जप करते हैं, नियम बना के कुछ गीता पढ़ना शुरू करते हैं, मंदिर जाना शुरू करते हैं, विधिवत भगवान को प्रणाम शुरू करते हैं। उससे पहले शराब शाप, लोग मंदिर जाते सलाम। अच्छा किसी नेता को आप बुला लीजिए, प्रायः 99% एक हमारे नेता जी को छोड़ के, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग तो इस कॉल में हो गई है, बाकी जितना होंगे ऐसे प्रणाम है ना, झुक जाना नहीं चाहते। मगर जब साधुओं के संग में आते हैं तो उनको शिक्षा मिलती है, कोई कितना बड़ा नेता हो, क्या ठाकुर जी से बड़ा नेता हो गया? सबको भगवान की आराधना करनी पड़ती है, अरे भगवान तुमको नेता बनाए हैं, उनके सामने झुकना सीखो। साधु बताएगा, बाकी नहीं बताए, बाकी चापलूसी करेगा, तुम तो नेता जी हो, हमारा काम बना देना। साधु का किसी से कोई काम नहीं, साधु बोले ना झुक जाओ, झुकिए, झुकना सीखिए।
एक जगह हम प्रोग्राम करने गए थे, तो वहाँ पर जब प्रोग्राम शुरू होते कलश यात्रा आती है तो रिबन काटने का कार्य होता है, तो रिबन काटने का कार्य हो रहा था और वहाँ तो कुछ नेता लोग भी आते हैं, मुखिया जी भी आए थे, ऐसे कुछ मीडिया वाले थे, कुछ फोटो वीडियो बना रहे थे। तो जो मुखिया जी थे वो एकदम, अब हमको तो पीछे लगे तो अब जब पत्रकार था बोल रहे यार व्यास को ढके जा रहे, अब उससे बोलने की हिम्मत नहीं, तो थोड़ा थोड़ा बोलता है थोड़ा महाराज जी, तो वो थोड़ा ऐसे और थोड़ा ऐसे थोड़ा और ऐसे कि भाई हमको कवर करो हमको कवर करो। तब तक मैं मीडिया वाले को बोल दिया, मैंने कहा उन्हीं को सामने रह दे दो उनको बहुत जरूरत है। तब सुन लिया, अरे नहीं नहीं महात्मा जी आप भी आते। तब उसको समझ में आया कि क्या गलती कर रहा था मैं, भाई जरूरत तो इन्हीं को है भाई, वोट तो इन्हीं को चाहिए, हम लोगों को तो ठाकुर जी का वोट पहले से मिल चुका है, हमको किसी के वोट की चिंता नहीं, जब भगवान साथ है तो किसका वोट चाहिए थे। तो साधु संघ में आते हैं तो ये ज्ञान होता है, भजन कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये बोलती रहते हैं बार बार हमारे नेता जी कि जाएंगे मंदिर तुलसी महारानी को एक लोटा पानी दे देंगे, और 20 लोग अगर एक एक लोटा पानी दे देंगे तो सोचिए तुलसी का क्या होगा। फिर बोलते हैं मंदिर वाले तुलसी का केयर नहीं करते, तुलसी सूख जाती है। अरे वाह, आप सोचिए कि यहाँ पंडाल में जितना लोग हैं सारे मिलके आपको एक एक बोतल पानी पिला रहे हैं, क्या हाल होगा आपका, आनंद आ जाएगा ना। तो जब तक हम साधु संघ में नहीं आते मनमाना काम करते हैं, कुछ चीज को समझने की कोशिश नहीं करते, रिचुअल की तरह पूजा करते हैं, बस किसी तरह नियम पूरा करना है और जैसे तैसे कर दो, अब उससे तुलसी को कष्ट हो, भगवान को कष्ट हो, भक्तों को कष्ट हो, कोई लेना देना नहीं। मगर जब हम साधु संघ में आते हैं ये सब चीज सीखने को मिलती है हमको। हम एक बार कुशेश्वर मंदिर, कुशेश्वर स्थान को जानते हैं, कुशेश्वर मंदिर में कथा कर रहे थे, जैसे सुबह मंगल आरती का प्रोग्राम होता है तो उसमें बहुत लोग आते थे, तो हम क्या देखे कि जितनी भी माताएं होती हैं सुबह में मंदिर एक लोटा लेके जाती है। अच्छा लोटा लिया उसमें जल भरा तो शिवजी को चढ़ाया, वो तो ठीक है शिवजी को जल चढ़ाना ही चाहिए, वो उसके अलावा जहां देखती है वहां एक लोटा जल चढ़ाने लगती है। अब कभी कभी एकदम हनुमान जी तैयार होके पूरा सिंदूर विंदूर लगा के श्रृंगार करके बिठाया तो जाके हनुमान जी को। अच्छा वो तो चलिए एक बार तो चलेगा तो नहीं, मगर आगे की बात जो बता रहा हूँ आप सुन लीजिए। अब कुशेश्वर मंदिर में जहाँ था टाइल पे कुछ सरस्वती माता का फोटो ये वो कई फोटो लगा रखे, तो ऐसे भागवत का एक मंच बना है परमानेंट, वहां भी 3-4 फोटो लगा रखा है। एक माता जी को मैं देखा लोटे में जल ली, थोड़ा सरस्वती माता की फोटो पे, थोड़ा इस फोटो पे, थोड़ा उस फोटो पे, और उसके बाद भागवतम पे पानी डालने लगे। इसको रहने दो, आज सोचिए श्रीमद भागवत पे भी एक लोटा पानी डाल देंगे तब क्या होगा। तो जब हम साधु संघ में आते हैं तो हमें ज्ञान होता है, ज्ञान होता है तो फिर वहां से भजन क्रिया शुरू होती है, और जब हम सही ढंग से भजन क्रिया शुरू करते हैं तब अनर्थ निवृत्ति से आस, तब जो हमारे हृदय की गंदगी है वो जाने लगती है, और जितनी हृदय की गंदगी साफ होगी उतना व्यक्ति का मन प्रसन्न होने लगेगा, जितना पूरा पूरा साफ हो जाएगी भक्ति में मन दृढ़ हो जाएगा। निष्ठा आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति से आत, निष्ठा भगवान के भजन में पक्की निष्ठा हो जाती है, तब कितना पीके दिखा दो कितना उमायवर दिखा दो उसकी श्रद्धा हिलने वाली नहीं। मगर जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़े शास्त्र नहीं सुने भक्तों का संग नहीं किए तब तक कोई हमारी मति को बदल सकता है, एक पीके बदल देगा। अच्छा पीके मूवी का नाम कैसा था, वो खुद ही बोल रहे हम पीके बनाए हैं, पहले पी लिए दारू पीके हमने फिल्म बनाई, तुम लोग भी पीके देख लेना। और निंदा किसकी, शिव जी की निंदा, पूजा की विधि की निंदा, साधु संतों की निंदा, और हम लोग 5 रुपए के मजे के लिए, 5 रुपए के मजे के लिए, 3 घंटे 2 घंटे के मजे के लिए हम अपने सनातन की निंदा सुनने के लिए जाते हैं, सिर्फ वो 2-3 घंटे के मौज के लिए।
इन फिल्म बनाने वालों को पैसा कौन भेज रहा है? हम लोग भेज रहे हैं। अगर हम बॉलीवुड को बॉयकॉट कर दे, भाई ऐसी फिल्में हो केरल स्टोरी जैसी तो देखिएगा जिसमें हकीकत दिखाई नहीं है, मगर जानबूझ के केवल देवी देवताओं की निंदा करने के लिए जो फिल्में बनाई जाए उसको देखना चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए? सिर्फ 5 मिनट का वो चमड़ा देखने का जो मजा है उसके लिए जाते हैं, यही सुख है ना, चमड़ा देखने जाते हैं लोग, चमड़ा, ये हकीकत बात है। तो जब हम साधु संघ में आते हैं, भजन क्रिया करते हैं, हृदय की गंदगी जाती है तो निष्ठा होती है, सच्चा ज्ञान होता है, और तब भगवान के चरणों में सच्ची आसक्ति होती है, असली रुचि होती है और सच्चा प्रेम होता है। इस संसार में सच्चा प्रेम नहीं होता है, और कोई कोई तो गाना भी लिखा है, कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही है ना। जान वास्तव में इस जगत में प्यार है नहीं, इस जगत में प्रेम है नहीं। जितना लोग बोलते हैं ना आई लव यू, वो ये नहीं बोलते आई लव यू, बोलते हैं आई वॉन्ट टू एक्सप्लॉइट यू, मैं तुम्हारा शोषण करना चाहता हूँ, मगर ढक के बोलते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। सच्चा प्रेम तो केवल भगवान से किया जा सकता है, और कहीं प्रेम है ही नहीं। तो जब हम भगवान की कथाओं से जुड़ते हैं, भगवान के भक्तों से जुड़ते हैं, भगवान की भक्ति करने लगते हैं, हृदय की गंदगी साफ होती है, तो फिर भगवान से सच्चा प्रेम होता है। नहीं तो फिर तंबाकू से प्रेम है, सिगरेट से प्रेम है, चाय से प्रेम है, शराब से प्रेम है, और भगवान से नहीं है, नहीं है। जब तक इस सब से प्रेम है तब तक भगवान से प्रेम कैसे हो सकता है? तो इस रूप में सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान की कथा, भगवान का भजन क्रमशः ऐसे कल्याण कर देता है, और कल्याण की गारंटी है, निश्चित निश्चित कल्याण हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कुछ कीर्तन सुनते हैं फिर आगे कथा सुनेंगे। हरि बोल, प्रभु जी बोलते हैं मेरा का भजन गाइए। हरि बोल, मेरा को जब दीक्षा मिला तो उनके गुरुदेव थे रविदास, उन्होंने कहा नहीं इस नाम से बढ़कर के और कुछ है नहीं, तुम राम नाम का भजन करो। तो मीरा नाचने लगी और नाच नाच के गाई, आज हमारे गुरुदेव ने हमको अनमोल वचन राम रचन धन पायो पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रचन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन तन पायो मैंने, राम रतन पायो बसो अमोल के जी सतगुरु, बसो अमोल के दिन सतगुरु कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी। कोई चोर चुरा नहीं सकता और जितना खर्च करो तो कम नहीं होता। हरि चन खूटे चोर न लूटे, हरि चन खूटे चोर न लूटे, हरि चन खूटे चोर न लूटे, टूटे चोर न लूटे, दिन दिन बजट सवायो पायो जी मैंने, राम रचन धन पायो पायो जी।
धन धन पायो आयो जी मैंने श्याम रतन पायो पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो जन्म जन्म की पूजी पाई 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 जन्म सभी गवायो जी मैंने राम रतन धन पायो आयो जी मैंने श्याम रतन धन पायो आयो जी मैंने श्याम रतन धन पायो वीरा के प्रभु गिरधर नागर वीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर हर सी हर सी जस गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Vasudev Paratriya Vasudev Param Gyanam Vasudev Param Tapa Vasudev Parodharmo Vasudev Paragati जो कुछ है सब भगवान वासुदेव ही है यही वेदों का सार है वासुदेव सर्वम इति सब महात्मा सुदुर्लभा अनेक अनेक जन्म लग जाते हैं व्यक्ति को इस स्थिति तक पहुंचने में मगर जो स्थिति में पहुंच गया उसी की रियलाइजेशन सबसे परफेक्ट मानी जाए भगवान भगवद गीता में बोले कि मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चित व्यक्ति सिद्ध है यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित मामलेति तत्तथा हजारों हजारों मनुष्य में से कोई एक ही होता है जो सिद्धि के रास्ते पर चलने की इच्छा करता है और ऐसे हजारों में से कोई एक आधा ही उसके लिए मेहनत भी करता है लोग चाहते हैं कि हम परफेक्ट हो जाए मगर परफेक्ट होने के लिए मेहनत नहीं करते हैं तो मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चित यतति कुछ कुछ यत्न करते हैं सिद्धि के लिए यतताम अपि सिद्धानाम ऐसे यत्न करने वालों हजारों हजारों में से कोई एक ही मुझको ठीक से समझ पाता है और क्या समझता है तो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा भगवान श्री कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं ऐसा समझ ले तो ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है
बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान नाम प्रकटते। कई जन्मों तक कोई कोई ज्ञानी जो ज्ञान का अनुशीलन करता है वो कई जन्मों तक वो हम सब भगवान है सब माया है बोलता रहता है कई जन्मों तक भगवान भगवान बोलता रहता है। तो कई जन्मों बाद पता लगती है उसको कि हम सब भगवान नहीं है भगवान भगवान है हम सब उनके दास है। तो एक ज्ञानी बहुनाम जन्माना मनते ज्ञानवान नाम ज्ञानवान जो है ज्ञानी जो है वो ज्ञानी कई जन्मों तक ये बोलता रहे हम सब ब्रह्म है हम सब भगवान है तुम अपनी शक्ति को पहचानो तुम भी भगवान हो। तो ऐसा ज्ञान का अनुशीलन करना करने वाला हजारों जन्मों तक ये बात बोलता रहता है तो हजारों जन्मों बाद उसकी अक्कल ठिकाने आती है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति हजारों जन्मों बाद कृष्ण को शरणागत हो जाता है जब समझ में आ जाता है कि हम सब भगवान नहीं है भगवान भगवान है और हम सब क्या है हम उनके दास हैं। अस अभिमान जाहि जिनि होरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। बस ऐसे लोग होते हैं ज्ञानी क्या बोल अभिमान खराब है अभिमान मत करो अभिमान करोगे पतन हो जाएगा। तो भौतिक अभिमान करना तो गलत है वह गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये अभिमान हमारे हृदय से कभी ना जाए। क्या अभिमान एक अभिमान हमेशा बना रहे कि राम जी हमारे स्वामी है और हम उनके दास हैं ऐसा अभिमान बना रहे। तो हजारों जन्मों तक बोलता रहेगा कि ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो। जब उसको असली ज्ञान प्राप्त होगा तब बोलेगा कृष्ण से जोड़ो राम से जोड़ो राम से जोड़ो राम से जोड़ो राम से जोड़ो। अब उसका वो छोड़ो छोड़ो खत्म हो जाएगा तब जोड़ो जोड़ो पे आएगा। वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुजनभा। ऐसे महात्मा बहुत कम है पूरी पृथ्वी पे जो राम जी को अपना प्राण मानते हो जो माँ जानकी को अपना प्राण मानते हो जो राधा कृष्ण को अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करते हो बहुत कम महात्मा है। मगर ऐसे महात्मा ही भगवान को समझे हैं ऐसे महात्मा ही शास्त्रों का सार समझे। एक बार एक बहुत बड़ा संतों का सम्मेलन लगा था उसमें अखंडानंद जी को भी बुलाया गया था। अब कई बार होता है कि संत लोग भी माइक पकड़ते हैं तो बोला जाए 5 मिनट बोलिए तो बोलने लगते हैं 20 मिनट बोलेंगे एक गीत गा दीजिए तो गाने लगते हैं 5 गीत समय ले लेते हैं। तो बड़ी भारी सम्मेलन हुआ था तो लंबा लंबा सब समय खींच लिए। अब जब अखंडानंद जी का नंबर आया तो उनको बोला कि महाराज 2 मिनट बोल रहे हैं 2 मिनट में तुम्हारा मंगलाचरण भी नहीं होगा। तब बोले कि एक ही वाक्य बोलेंगे 2 मिनट भी नहीं। बोले राधा और कृष्ण राम और सीता इसी में भागवत इसी में गीता सारा गीता भागवत का सार है कि भगवान राम कृष्ण का नाम कीर्तन किया जाए बस इतना ही हम कहना चाहते हैं बस इतना ही बोले। तो वासुदेव परावेदा समस्त वेदों का सार भगवान वासुदेव वासुदेव परामखा सारे यज्ञों का सार भगवान वासुदेव वासुदेव परा योगा योग करके रामदेव बाबा जो सिखाते हैं योग करना तो ये तो केवल शरीर का व्यायाम है इसका आध्यात्मिक संबंध नहीं है। जो आध्यात्मिक योग है उसका भी चरम लक्ष्य है भगवान वासुदेव का हृदय में ध्यान करना। भगवान के सुंदर चतुर्भुज रूप परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करना वासुदेव पर योगा वासुदेव परा क्रिया और जितनी क्रियाएं हैं जितना पूजा आदि है उन सबका एक ही लक्ष्य है भगवान वासुदेव में मन लगाना। वासुदेव परम ज्ञानम सबसे बड़ा ज्ञान है भगवान को समझना। वासुदेव परम तप सबसे बड़ी तपस्या सारी तपस्याओं का फल कि भगवान में मन लग जाए कृष्ण से प्रेम हो राम से प्रेम हो। नारद जी नारद भक्ति सूत्र में लिखते हैं कि नाराध्य तो यदि हरि तपस्या तथा के में यदि आप भगवान हरि की आराधना ही नहीं करते तो फिर सूखी सूखी तपस्या करने का क्या फायदा है। और आराध्य तो यदि हरि तपस्या तथा के में और यदि आप 2400 घंटे भगवान श्री हरि में ही लग गए हैं तो फिर आपको अलग से तपस्या करने की क्या जरूरत है आपका जीवन सफल हो गया। ना अंतर वही यदि हरि तपस्या तथा के में यदि अंदर हृदय में बाहर सब जगह भगवान का अनुभव नहीं कर रहे हैं तो
तो कह रहे फिर क्या तपस्या करने का फायदा हुआ, इतनी तपस्या की कम से कम ऐसा तो होना चाहिए तुम्हारे साथ। और अंतर बहिर जति हरि तपस्या तथा के, और अगर अंदर बाहर सब जगह भगवान हरि ही हरि हैं तो फिर तपस्या करने का काम। तो जितनी तपस्याएं हैं, जितने व्रत हैं, जितने नियम हैं, किसके लिए है? वो भगवान से हमारे प्रेम को जोड़ने के लिए। अभी जो प्रेम माया में है उस माया के आकर्षण को, इंद्रिय तृप्ति के प्रेम को कम करने के लिए बोला जाता है व्रत करो। भाई खाने का सप्लाई कम करोगे तो जीव थोड़ा सा कंट्रोल होगा, बाकी इंद्रियां कंट्रोल होंगी, मन पवित्र होगा, भगवान के चरणों में भगवान की भक्ति में लगेगा, उसके लिए बोला जाता है तपस्या करो। क्यों बोला जाता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए? भाई तपस्या है सुबह जल्दी उठना, मगर ये तपस्या इसलिए कराई जाती है, सुबह के समय सतोगुण होता है, उस समय अगर भगवान की भक्ति करोगे, मंगल आरती करोगे तो पूरा दिन आपको भगवान का स्मरण रहेगा, भगवान में मन लगा रहेगा। और उस समय नहीं करोगे, इतनी तपस्या नहीं करोगे तो पूरा दिन इंद्र तृप्ति की लालसा मन में बनी रहेगी। तो सारी तपस्या किसके लिए? सिर्फ इसके लिए कि भगवान से प्रेम हो जाए। वासुदेव परो धर्मो और वासुदेव परागति, परम धर्म है भगवान श्री कृष्ण, और परम गति, गति मतलब स्पीड होता है, और गति का मतलब डेस्टिनेशन भी होता है, गंतव्य जिसको पाना है। तो वासुदेव ही हर तरीके से हमारी स्पीड भी है, और भगवान वासुदेव ही हमारा डेस्टिनेशन भी है। कहाँ पहुंचना है? तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचना है, भगवान राम के चरण कमलों तक ये है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तीसरा प्रश्न जी, भगवान क्यों अवतार लेते हैं? तो वो तो बता दिया, परित्राणाय साधुना विनाशय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। चौथा प्रश्न जी, भगवान सृष्टि कैसे करते हैं? तो सबसे पहले जद्रहे पुरुषम रूपम भगवन महद आदि भी संभूतम षोडश कलाम आदो लोक शिशिक्षया। भगवान सबसे पहले अपने आप को प्रकट करते हैं जद्रहे, भगवान कृष्ण से एक भगवान विष्णु का स्वरूप निकलता है। प्राय हम लोग जानते हैं विष्णु मतलब विष्णु नारायण सब एक ही है, ज्यादातर लोग तो गीता भागवत पढ़ते नहीं है और सुने होंगे कुछ लोग, मगर ज्यादातर लोग सुने भी नहीं है ठीक से, मतलब सुने होंगे मगर भागवत कथाओं में इन सब बातों को कहाँ बताया जाता। वो एक दिन जन्म करा देते हैं, एक दिन कुछ और अवतार की लीला दिखा के किसी तरह चंदा इकट्ठा होता है, और लोगों का मन भी आजकल इसी सब में लगता है, और लोगों को भागवत में उतना रुचि है नहीं, और पूरा नाटक नाटक की उसमें बड़ा प्रीति सबको रहता है। तो भागवत में सृष्टि भी भगवान ने कैसे की उसको बताया है। तो भगवान श्री कृष्ण से एक भगवान का स्वरूप, भगवान विष्णु का एक स्वरूप निकलता है जिनको कारणों दक्षाई विष्णु कहते हैं। क्या बोलते हैं? कारणों दक्षाई, जो कारण समुद्र में शाही मतलब सोते हैं, भगवान जो काम करते हैं सब सोते सोते कर लेते हैं, वो पूरा ब्रह्मांड चला रहे हैं सोते सोते, इतना बड़ा विश्व का मैनेजमेंट संभाल रहे हैं कैसे? सोते सोते। हम लोग कर सकते हैं, अगर अभी जो व्यवस्थापक लोग होंगे एक प्रोग्राम कर रहे हैं उनकी रात की नींद उड़ी हुई है, अरे ये करना ये करना ये करना, प्रभु जी हमको कहाँ सुनने को समय मिलता, एक छोटा सा प्रोग्राम करने में हम लोग रात का नींद चला रहे हैं, और भगवान इतना बड़ा सृष्टि चलाते हैं सोते सोते, सारा मैनेजमेंट ऑटोमेटिक चलता है, ऐसा शक्ति किसी के पास हो सकता है? तो कारणों दक्षाई विष्णु है। आप कभी कभी चित्र देखे होंगे कि एक भगवान विष्णु ऐसे लेटे हुए हैं, और ऐसे बस लेटे हुए, ना लक्ष्मी जी है ना कोई और है, और कुछ बुलबुले जैसे उनके अगल बगल में दिखाई पड़ रहे हैं, आप लोग देखे ऐसा कोई चित्र? तो कल अगर लगाया प्रोजेक्टर का स्क्रीन तो कल आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे, एक एक चीज दिखा देंगे कि कैसी पूरी सृष्टि है। अब बोलेंगे माइथोलॉजी है, भाई सृष्टि बनाने वाले ने बताया है कि मैंने ऐसी बनाई है। मान लीजिए पंडाल है, अब आप नीचे बैठ के अटकलबाजी कीजिए पंडाल ऐसा होगा। अब कितने तो ऐसे महात्मा लोग हैं वो बोलते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया उससे पंडाल तैयार हो गया। बोलिए एक बार पंडाल वाले को जाके बोलिए तू क्या किया? तू कुछ नहीं किया, वो नेताजी बॉम्ब ब्लास्ट किए थे पंडाल बन गया।
टेबल लग गया, मंच लग गया, कोई माने ना इस बात को। और आज के वैज्ञानिक लोग ऐसी ऐसी अटकलबाजी बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, पूरी सृष्टि हो गई। अब मान लीजिए आपके घर में कुछ दीवार टूटने लगी और तब तक अकुल प्रूफ बोलते हैं, अरे चिंता मत करो, वो मिस्त्री बुला लेना, हम आएंगे एक बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, तुम्हारा घर ठीक हो जाएगा। बोलेगा आज सोचिए, बॉम्ब ब्लास्ट से इतनी बढ़िया सृष्टि हो सकती है। भगवान ने हवा की व्यवस्था दी, भगवान ने प्रकाश का डिपार्टमेंट बनाया, वायु डिपार्टमेंट बनाया, अग्नि डिपार्टमेंट बनाया, भगवान ने मेडिकल डिपार्टमेंट बनाया, जितनी बीमारियां उसकी जड़ी बूटी किसने बनाई। अरे बाकी सब छोड़ो, इस शरीर की मशीनरी को भी देखेंगे, अगर इसमें लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, खून नसों में दौड़ रहा है, ये सब क्या बॉम्ब ब्लास्ट से बन सकता है? अटकलबाजी, केवल अटकलबाजी है वैज्ञानिकों की। प्रूफ करके दिखाओ कि बॉम्ब ब्लास्ट से सृष्टि हो गई। अरे सृष्टि बनाने वाले ने बताया कि हमने कैसे बनाई है, उसको जानना चाहिए। लोग बोलते हैं हम विश्वास नहीं करेंगे, तो विश्वास तो आप कहीं ना कहीं करेंगे। अगर आपको भगवान पर विश्वास नहीं है तो आपको वैज्ञानिक पर विश्वास है, उसकी बात भी तो आप मान रहे हो बिना किसी प्रमाण के। अब बोलियो उसको, तो अपना टेलीस्कोप दिखा, हम तेरे टेलीस्कोप से देखेंगे तब मानेंगे। अब देखिए लोग बोलते हैं कि चांद के ऊपर हम लोग गए और बोलते हैं कि चांद पे हवा नहीं चलती, और वहां जाके क्या किया, वहां पे एक झंडा गाड़े और झंडा लहरा रहे, ये मूर्ख बनाने वाली बात है। अगर चांद पर हवा नहीं है तो झंडा कैसे लहरा रहे? तो खुद नासा ने ही एक किताब निकाली कि अभी तक चांद पे नहीं गए हैं, यही कहीं जाके वीडियो बना के दिखा रहे हैं नासा का। तो सृष्टि भगवान ने की, तो सर्वप्रथम कारणों दर्शाई, विष्णु कारण समुद्र में लेटे हुए हैं, और भगवान विष्णु के एक एक रोमकूप से, जब भगवान सांस छोड़ते हैं एक एक रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। अच्छा आप ये देखिए, आज का वैज्ञानिक बोलेगा कि जो यूनिवर्स है वो अंडे के शेप का है। हमारे ऋषि मुनियों ने करोड़ों साल पहले बता दिया था कि ब्रह्मांड ये किस शेप का है, अंडे की शेप का है। हमारे पास टेलीस्कोप तो नहीं था, सेटिस्कोप नहीं था, माइक्रोस्कोप नहीं था, फिर कैसे पता चल गया कि ब्रह्मांड है? वो बोलते हैं परमाणुओं की खोज हमने की, एटम मॉलिक्यूल हमने खोज की, मगर ये खोज उन्होंने नहीं की। अंडांतरस्य परमाणु चयांतरस्थम, ब्रह्मा जी ने जिस दिन सृष्टि की उस दिन ब्रह्मा जी ने लिख दिया था कि भगवान श्री कृष्ण अंडांतरस्थम, इन सारे ब्रह्मांडों में अंडांतरस्थम च परमाणु चयांतरस्थम, और एक एक परमाणु में एक एक एटम, एक एक मॉलिक्यूल में भगवान है। परमाणु मतलब क्या, परम अणु, एटम अणु, परमाणु परमाणु क्या चीज नहीं है हमारे भारत के पास, मगर ये विदेशियों का एक साजिश था कि हम लोगों को एक विश्वास दिलाएं कि तुम्हारी संस्कृति बड़ी हीन है, तुम लोग बड़े बैकवर्ड हो। मैक्स लूथर नाम का एक व्यक्ति है, उसने किताब लिखी है, और उस किताब में वो लिखता है कि जितनी भी चीजें पूरे विश्व में दिखाई दे रही है उस सबका स्रोत जो है भारत से ही हुआ है। और उसने प्रूफ किया है, 100 पन्नों की एक किताब है, उसने प्रूफ किया है कि एक एक चीज जो पूरे संसार में कहीं देखने को मिल रही है ओरिजिनली वो भारत से शुरू हुई है। मैक्स लूथर नाम का व्यक्ति है विदेशी, मकाम देसी किया, अच्छा काम किया। तो सबसे पहले कारणोदर्शी विष्णु है, और जब भगवान सांस छोड़ते हैं तो उनके सांस छोड़ने से करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, कितने, असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। तो वैज्ञानिकों को भी तो एक ही ब्रह्मांड का ज्ञान है ना, मगर वो जान रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि और भी हैं, मगर अभी तक खोज कर नहीं पाए। इन कारणों दर्शाई विष्णु से जो ब्रह्मांड निकलते हैं, उन हर ब्रह्मांड के भीतर भगवान एक विष्णु और प्रवेश करते हैं, जो गर्भो दक्षाई विष्णु कहलाते हैं। ये गर्भ समुद्र में रहते हैं। आप भगवान विष्णु का एक चित्र देखे होंगे कि शेषनाग ऐसे लिपटे हुए, शेषनाग है ऊपर ऐसे, और भगवान विष्णु ऐसे
लेटे हुए और लक्ष्मी जी उनके चरण देखे आप लोग, कुछ लोग देखे हैं कुछ लोग नहीं देखे, कल दिखाएंगे लक्ष्मी जी उनके। तो ये गर्भोदशा विष्णु कहलाते हैं और ये सारे लोगों के नीचे रहते हैं, पृथ्वी के नीचे अनेक लोग हैं, अतल वीतल महातल तलातल पाताल सूतल, ये सारे लोग पृथ्वी के नीचे है। सबसे नीचे नरक है, नरक से भी नीचे जहाँ गर्भोदक समुद्र है वहां गर्भोदशाई विष्णु रहते हैं। और ऐसे गर्भोदशाई विष्णु की नाभि से एक कमल का फूल उत्पन्न होता है और उस कमल के फूल के सबसे ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और ये जो कमल की नाल है, जो स्टेम है कमल की, इसमें 14 लोक रहते हैं, 14 प्लैनेट का सिस्टम है। तीन लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 14 भुवन है, कुछ बोलते हैं 3 है, तो क्या है? अरे देखो गड़बड़ है, आपके शास्त्रों में गड़बड़ है। कभी आप बोलते हैं 3 लोक हैं, कभी आप बोलते हैं 14 लोक हैं, बड़ी गड़बड़ है, गड़बड़ है ना। 3 है 14 है, पहले क्लियर करके बताइए, आप लोग बताइए, बताइए। हाँ, पृथ्वी बीच में भू भवस्व, 3 लोक हो गए, भू भवस्व, इसको गणना की। तो नीचे के लोकों का एक सेट कर दें तो एक, पृथ्वी को एक मान लिया 2, और ऊपर के सारे लोकों को एक माना तो 3, तो ऐसे कितने लोग हुए? 3। मगर अब खोल के उसको देखेंगे तो ऊपर की तरफ 7 लोग हैं, नीचे की तरफ 7 लोग के साथ साथ 14 हो गए, बीच में पृथ्वी है, उन 14 में ही पृथ्वी है, ऊपर है नीचे है बीच में पृथ्वी है, कितने हुए? ध्यान से सुनना चाहिए शास्त्र को, ध्यान से पढ़ना चाहिए, एक एक चीज एकदम स्पष्ट है। मगर अब ये लोग क्या करेंगे, फिल्म वाले कंफ्यूज करेंगे, बोले देखो वहां बोला 3 वहां बोला 14, गड़बड़ है ना, गड़बड़ है, बड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ कुछ नहीं है, एक सेट बना दिया तो एक सेट ये, एक सेट ये और एक ये, 3 हो गए, और सेट को खोल दिया तो 14 हो गए। और सबसे ऊपर ब्रह्मा जी होते हैं, तो 2 विष्णु, इसके बाद तीसरे एक विष्णु होते हैं जो शिरोदशाई विष्णु कहलाते हैं, जो शिव सागर में रहते हैं, और शाई मतलब सोते हैं, काम कुछ नहीं है भगवान को, क्या काम है? सोते हैं, मगर हम लोगों की तरह तमोगुण में नहीं सोते हैं, कि हम जब सोते हैं तो कुछ ज्ञान नहीं रहता, हम ये शरीर है ये भी नहीं पता चलता है ना, कौन माँ कौन पिता कौन भाई कौन बंधु रुपया पैसा कुछ याद नहीं रहता, सो जाते हैं तो एकदम मर रहे जैसे हो जाते हैं, और ऐसा मरे जैसे हो जाते हैं, अंदर मन चलता रहता है, वो मन में कुछ सपने देखते रहते हैं, कभी सपना देखते हैं कि हमको महल में बिठा दिया और राजा की तरह हमारी पूजा की जा रही है, तब तक आप खोलेगी तो क्या देखेंगे। कोई कोई सपना देखता है कि हमारी मिस यूनिवर्स से शादी हो रही है, हमारे एक मित्र हमको बोला जी हमको कल सपना आया, मुझे लगता है कि कुछ दिन में सच होने वाला है, अच्छा क्या सपना है? तो हमको तो उसका नाम नहीं याद, नाम लेके बोल रहा था कि वो सपने में आया कि उससे हमारी शादी हो गई है, तो पूछा वो कौन, तो नाम पूछा ये है कौन भाई, बोला ये मिस यूनिवर्स है, आपको नहीं पता? वाह, तो आप खोल के देखा तो क्या देखा, तब तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। तो सपने में कोई माला पहना दे सम्मान कर दे, या सपने में सारा डाकू आपका घर घर का सारा पैसा लेके भाग जाए, हकीकत में कुछ रहता है? तो सोए हुए हम मरे जैसे रहते हैं, मगर भगवान सोते हैं योग निद्रा में, सोए सोए सारा काम कर देते हैं। तो ऐसे शिरोदशाई विष्णु जो है, इन्हीं से देवता लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं अवतार लेने के लिए, और ये शिरोदशाई विष्णु सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। तो 3 विष्णु की कथा कहने के बाद आगे अब भगवान के और अवतार, ये तो सृष्टि, चौथा प्रश्न था ना क्या, सृष्टि की लीला सुनाइए, मैं आपको सृष्टि की पूरी लीला नहीं सुनाया, बस संक्षेप में सुनाया, ये भागवत के 3 स्कंदों में सृष्टि की लीला बताई है, दूसरा तीसरा चौथा, तो हजारों श्लोक में बताया है, और बताने लगेंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ बोर होने लगेंगे, ये भी एक कारण है क्योंकि यही सब हैवी हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ बहुत सारे लोग के लिए इतना ही हैवी हो रहा है, सोच रहे हैं कि हम तो मनोरंजन के लिए आए थे, ये तो कुछ असली बात बताने लग गए।
जानते कितने सारे लोग तो घर में गीता भागवत एकदम पैक करके रखते हैं, ऐसे रखेंगे उसको पूरा एकदम लाल कपड़े से बांध के एकदम ऐसे बढ़िया से बांध के रखेंगे, ऐसे भी बांध लिया, ऐसे भी बांध लिया, पूरा बढ़िया से बांध के रखते हैं। कारण क्या है गीता जी, आप कभी खुल मत जाइएगा, आप यदि खुल गए तो हमारा हजारों सालों का अज्ञान दूर हो जाएगा, हम इस अज्ञान के साथ ही जीना चाहते हैं। आपसे बस इतनी प्रार्थना है कि आप कभी खुलिएगा मत। भगवद गीता है पढ़ने के लिए, श्रीमद भागवतम है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए। तो मैं समझ रहा हूँ कुछ लोग के लिए तो अभी थोड़ा थोड़ा हैवी हो ही रहा है ऑलरेडी, तो उसको और हैवी नहीं करेंगे। तो ये चौथा प्रश्न था सृष्टि का। तब पांचवा प्रश्न क्या पूछे थे, विभिन्न अवतारों में भगवान क्या क्या लीला किए हैं, तो उसको कैसे सुनाएंगे। तो 24 अवतारों की कथा भागवत के प्रथम स्कंध के तीसरे अध्याय में कह रहे हैं। कह रहे हैं सबसे पहले प्रथम देव कुमार सर्गमास्तिता चचार दुश्शरा ब्रह्म ब्रह्मचर्य अखंडितम। तो सबसे पहले भगवान चार कुमारों के रूप में प्रकट हुए। आप सुने कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी के सबसे प्रथम जो पुत्र हुए तो चार कुमार पैदा हुए। ये जो चार कुमार थे तो ब्रह्मा जी को भगवान बोले थे कि तुम सृष्टि आगे करो, सृष्टि बढ़नी चाहिए, सृष्टि बढ़नी चाहिए। तो ब्रह्मा जी को भी बड़ी चिंता थी कि भाई हमको एक सेवा मिली है सृष्टि आगे बढ़ाने की, तो सृष्टि बढ़ानी है। तो ब्रह्मा जी चार कुमारों को बोले कि देखो भगवान हमको सेवा दिए हैं सृष्टि आगे बढ़ाने की, तो अब तुम लोग सृष्टि आगे बढ़ाओ। तो चार कुमार पूछे पिताजी आप क्या करोगे, बोले अब हम रिटायर हो जाएंगे, हरी भजन करेंगे, हम आगे सृष्टि नहीं करेंगे, हम तो कर दिए अपनी जिम्मेदारी। तो चार कुमार बोले कि पिताजी आप माया में नहीं फंसना चाहते तो हमको माया में क्यों फंसा रहे, जब आप आगे नहीं करना चाहते, आप हरी भजन करना चाहते हैं तो हम भी हरी भजन करेंगे, हम माया में नहीं फंसेंगे। तो प्रथम चार पुत्र ब्रह्मा जी के चारों के चारों ब्रह्मचारी थे, और अपनी उम्र कभी बढ़ने नहीं दिए, एकदम 5 साल के बच्चे जैसे रहते हैं, क्योंकि 5 साल के बच्चे में कोई काम वास्ता नहीं रहती, तो अपने को कुमार अवस्था में ही हमेशा रखे हैं कि इनोसेंट रहेंगे, और जो दिखेगी सबको माता जी हरे कृष्णा जो मिलेगी, 5 साल के छोटे बच्चे हैं हमको, हमारे लिए सब क्या है माँ के साथ मातृवत पर दाय छू, जितनी स्त्रियां हैं उन सबको माँ के रूप में देखना चाहिए। ये नीति है सनातन धर्म की, सनातन धर्म का स्टैंडर्ड इतना हाई है, इतना हाई है कि हम लोग क्या शिक्षा देते हैं, एक अपनी पत्नी को छोड़ के जितनी स्त्रियां हैं सब क्या है हमारी माँ है, अपनी माँ की शक्ल देखो उसमें। ये केवल आपको सनातन धर्म में शिक्षा मिलेगी, बाकी जगह ये शिक्षा नहीं है, केवल सनातन। हम लोग का स्टैंडर्ड हर चीज में बहुत हाई है, पूरे विश्व को कैसे देखो तो वासुदेव कुटुंबकम, भगवान कृष्ण का परिवार है, इस रूप में पूरे विश्व को देखो, किसी से द्रोह, किसी से द्वेष, किसी से ईर्ष्या नहीं। और महिलाओं को कैसे देखो तो मातृवत पर दारेशु, माँ के रूप में देखो। जब राम जी एक बार लक्ष्मण जी से पूछे माता जानकी के गहने दिखा के कि लक्ष्मण तुम पहचानते हो इन गहनों को, क्या ये सीता के ही है, तो जानते हैं लक्ष्मण जी क्या जवाब दिए, लक्ष्मण जी बोले कि भैया मैं तो जानकी माता को कभी चरणों से ऊपर देखा ही नहीं, मुझको नहीं पता है, अब चरणों का कोई गहना दिखाएंगे तो मैं पहचान सकता हूँ, मगर उससे ऊपर का गहना हमारी पहचान से ही बाहर है। ये हम लोग का स्टैंडर्ड है, किसी का स्टैंडर्ड पूछो, हम लोगों का सनातनियों का स्टैंडर्ड है कि मातृवत पर दारेशु। तो ये लोग तो 5 साल की आयु की है, बोले अब तो जितनी भी हैं स्त्रियां चाहे 6 की हो 7 की हो 8 की हो तो भी क्या बोलते उनको, माता जी हम तो छोटे बच्चे कोई काम आसना नहीं, कभी कोई दूसरे भाव से किसी स्त्री को देखना नहीं। तो प्रथम चार पुत्र जो ब्रह्मा जी के हुए चारों के चारों विवाह किए नहीं, ब्रह्मचारी रह गए, मेरे ब्रह्मचार्य अखंडितम, अखंड ब्रह्मचार्य का पालन किए। आज की डेट में सबसे बड़ा समस्या यही है कि लोग ब्रह्मचार्य का नाश करते हैं और उसके कारण उनकी स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है।
स्मरण शक्ति बनती है, मन स्थिर बनता है। ये घड़ी की पेंडुलम की तरह नाचता नहीं है मन, जो व्यक्ति अपनी शक्ति को बचा कर रखता है। मगर आजकल हम लोग फोन पे हर जगह अपनी शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं और इसी वजह से सबका मन चंचल है। आप किसी से बात कीजिए, लोगों को जीवन में निर्णय लेने में घंटों लग जाते हैं, जीवन भर निर्णय नहीं ले पाते। कारण क्या? अपनी शक्ति को हरास किया, नाश किया, इसलिए अब उनकी बुद्धि का ही नाश हो चुका है। शरीर का नाश तो होता ही है, बुद्धि का भी नाश हो जाता है। तो ब्रह्मा जी के पहले चार पुत्र अपने आचरण से सिखाए कि सभी लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कम से कम 25 साल की आयु तक, जब तक विद्यार्थी हैं तब तक तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पाप नहीं करना। अगर उस पाप में लग जाएंगे तो यहाँ पढ़ाई में मन जीवन भर लगने वाला नहीं है। और आजकल के माता पिता सोचते हैं कि हमारे बच्चे एडवांस कर रहे हैं, वो तो रच रच के पाप कर रहे हैं। खुश होते हैं पिता लोग, खुश होते हैं कि हमारी लड़की का बॉयफ्रेंड है, हमारे बेटे की गर्लफ्रेंड है, बड़ी खुशी की बात है। आपका बेटा भी नरक जाएगा, आपको लेके साथ जाएगा, बड़े खुशी की बात है। और इस पूरे जीवन में उसी क्या दुर्गति होगी, कभी उस पर विचार किया है? पूरा जीवन कंफ्यूजन में बीत जाएगा उसका, क्योंकि अपनी शक्ति का नाश किया है। तो सबसे पहली संतान ब्रह्मा जी जो उत्पन्न किए, वो साक्षात भगवान के ही शिक्षाविष्कार हुए चार कुमार, जगत को ये शिक्षा देने के लिए कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो भगवान भी क्या है, केवल प्रवचन नहीं करते, भगवान करके दिखाते हैं कि देखो ऐसे करते हैं। अब जानते हैं भगवान, लोग सुनते कम है देखते ज्यादा है, इसलिए भगवान क्या करते हैं, केवल बोलते नहीं है, बोलते भी है, प्रवचन भी करते हैं। गीता में प्रवचन किए, भगवान राम अयोध्या में प्रवचन किए, कई जगह भगवान बोले हैं। मगर बोलने के साथ भगवान करके दिखाते हैं कि देखो ऐसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले चार कुमार के रूप में हुए और द्वितीयम तु भवायस्य रसाताल गतामही, दूसरा भगवान सुकर का रूप धारण किए, सुअर का रूप धारण किए। जब पृथ्वी रसातल में चली गई थी तो उस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान ने एक बार सुअर का रूप धारण किया। तो अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सुअर तो बड़ा गंदी होनी है ना। अगर यहाँ पर कोई सुअर आ जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? अरे बुलाओ बुलाओ इसको, गंदा। आपको कोई बोले सुअर को जाके गले लगा लो, लगा नहीं, कभी नहीं लगाएंगे। मगर भगवान के लिए कुछ अच्छा नहीं कुछ बुरा नहीं, भगवान सुअर का भी रूप धारण किए। कारण क्या कि एक बार असुर जो था वो पृथ्वी को समुद्र के भीतर छुपा हुआ। तो हुआ क्या था कि कश्यप मुनि की पत्नी है दीति, तो एक बार की बात है कश्यप मुनि बड़ा तपस्या में रहते थे, तो दीति माता कश्यप मुनि को विचार रखी अपना कि हम संतान उत्पत्ति करना चाहती हैं, भी पति पति पत्नी का जो रिश्ता है तो इसमें संतान का बड़ा महत्व है और संतान उत्पत्ति जो है ये पाप नहीं है, ये पाप नहीं है। भगवान बोल रहे हैं कि धर्म अवरुद्ध कामस्य, जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है वो इतना पवित्र है कि वो भगवत आराधना के समान है। केवल मगर संतान उत्पत्ति, इंद्र तृप्ति के लिए काम वासना वो तो नरक लेके जाएगी, मगर केवल संतान उत्पत्ति तक अपनी धर्म पत्नी से, आजकल तो बहुत शब्द जोड़ने पड़ते हैं, अपनी ही धर्म पत्नी से केवल संतान उत्पत्ति के लिए जो काम वासना की जाए वो प्रभु की आराधना ही है, क्योंकि ये भी भगवान की एक सेवा है, सृष्टि को आगे बढ़ाना। तो दीति की इच्छा तो अच्छी थी, मगर कश्यप मुनि बोले कि देखो दीति ये समय ठीक नहीं है, अभी शाम का समय है, संध्या का समय है, संध्या के समय भगवान शिव घूमते हैं अपने गणों के साथ, और शिव जी क्या करते हैं, संध्या मतलब दो समय जब मिलता है तो ये सुबह सुबह का समय और शाम का समय, ये दोनों को संध्या कहा जाता है, ये दोनों ही संध्या, संध्या मतलब दो काल का मिलना। तो भी रात और दिन का बीच का समय सुबह हो गया और दिन और रात के बीच का समय शाम, संध्या काल जब सूर्य अस्त हो रहा होता है। तो कह रहे हैं कि ये तो संध्या का समय है, इस समय शिव जी सब जगह घूमते रहते हैं, और शिव जी क्या करते हैं, जब किसी व्यक्ति को भगवत भजन करते देखते हैं तो उसको आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा कल्याण हो, कृष्ण रमति रस्तु, तुम सुखी से रहो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं।
और उस समय यदि किसी व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति में लगे देखते हैं, सोते हुए देखते हैं, तो शिव जी के साथ कौन घूमते हैं? भूत पिशाच घूमते हैं। और भूत पिशाचों को हमेशा एक शरीर की आवश्यकता होती है, तो जो उस समय इंद्रिय तृप्ति करते हैं, शिव जी भूत पिशाचों को उनको दे देते हैं। जितना भूत पिशाच बाधा है, आप अगर भूत पिशाच बाधा से मुक्त होना चाहते हैं, दो समय का बस नियम बना लीजिए। सुबह सुबह सोइए मत, शाम के समय इंद्र तृप्ति मत कीजिए। दो समय हरि भजन कर लीजिए, कभी आपको प्रेत बाधा भूत बाधा लग ही नहीं सकती। और जो इस समय में इंद्र तृप्ति में लगते हैं, उन पे शिव जी अपने गणों को छोड़ देते हैं। वो लोग मांगते हैं कि हमें कोई शरीर चाहिए, तो शिव जी घूम घूम के देखते हैं, सुबह के समय, शाम के समय। शाम के समय देखते हैं, अरे इंद्र तृप्ति लग जा, तुम उसका शरीर ले लो, तुम उसका शरीर ले लो, सारे भूत पिशाचों को बांट देते हैं। इसलिए विशेष रूप से सुबह में 4 से 7, शाम को संध्या काल 5 से 7 बजे का समय सोना नहीं चाहिए, और कोई अन्य पापाचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो हरि भजन करें, तो हरि भजन करेंगे तो शिव जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, सारी जीवन की बाधाएं खत्म हो जाएंगी। आप देखेंगे कि जितने बुरे सपने आते हैं, ये सुबह के समय आते हैं। अगर आप सुबह के समय सो रहे होंगे, सूर्योदय के समय सो रहे होंगे, तो अनेक प्रकार के खराब सपने आते हैं। वो समय सोने के लिए नहीं है, वो समय भजन करने के लिए। ऐसे पहले जमाने में तो गांव में यूं ही बोला जाता था, ये राम नाम की बेड़ा है ना। सुबह सुबह कोई समय अगर प्रजल्पा करने लगे, फालतू की बातें करने, अरे क्या राम नाम की बेला में बातें कर रहे हो, करो जब करो, इसे बोला ही जाता था। तो दीति जब बोली कश्यप मुनि को, कश्यप मुनि बोले कि तुम्हारी इच्छा तो पूर्ति करेंगे, मगर ये समय ठीक नहीं है, शिव जी नाराज हो जाएंगे, हम लोगों को बड़ा भारी इसका भुगतना पड़ेगा। तो दीति नहीं मानी बिल्कुल, तो उसी समय संकीय कश्यप मुनि दीति, तो उस काल के प्रभाव से क्या हुआ कि दीति के घर में 2 बहुत बड़े असुर आ गए। तो इसीलिए देखिए आज के बच्चे निकम्मे क्यों पैदा होते हैं, बचपन से उनकी रुचि पापाचार में, क्रोध में, हिंसा में, और छोटे छोटे मोबाइल में, 24 घंटा मोबाइल में, क्या कारण है? तो मोबाइल पर अच्छा काम करते हैं, हैरान हो जाएंगे आप, छोटे छोटे बच्चे गड़बड़ मूवी देखते हैं मोबाइल पे, यही सब कारण है। माता पिता ने आचरण गड़बड़ किया, वो बच्चे में आ गए। हम अगर अच्छी संतान चाहते हैं, तो शास्त्रों में वो भी बताए कि आप अच्छी संतान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। श्री भक्ति और ठाकुर के 10 पुत्र थे, और 10 के 10 पुत्र भक्ति और ठाकुर, ऐसा नहीं कि इंद्र तृप्ति करके पाए थे, क्योंकि तपस्या करके पाए थे, 10 के 10 भगवान के शुद्ध भक्त पैदा हुए। हम कैसा संतान उत्पन्न, ये हमारे हाथ में है, मगर लोग आज इस शिक्षा को जानते नहीं है, इसलिए फिर बाद में दुर्घटना। तो 2 असुर हृदय कश्यपु और हिरण्याक्ष दीति के घर में आए। अब जब दीति को ग्लानी होने लगी पड़ी मन में कि ये तो हमसे बड़ा अनर्थ हो गया, तो कश्यप ने उनको बताया कि तुम्हारे घर में 2 असुर हैं, ये पूरी दुनिया को रुलाने वाले होंगे। तो दीति ही लोगों के कल्याण के लिए मन में क्या सोची कि इनको हम गर्भ से बाहर ही नहीं निकालेंगे, 100 साल तक अपने गर्भ में रख ली, मगर मजबूरी क्या, कभी तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष का जब जन्म हुआ, तो हिरण्याक्ष जो था, तो हिरण्यकश्यपु का छोटा भाई लगता था, जो करता था बड़े भैया की खुशी के लिए करता था, इधर लड़ाई उधर, भैया की खुशी क्या, मतलब लड़ाई करो खुशी, हिरण्यकश्यपु भी तो असुर था, जितना लड़ाई करो भैया उतना खुश होते थे। तो हिरण्याक्ष खूब उत्साह बना रहे, लड़ो अब, लड़ो फिर लड़ो, यहाँ लड़ो वहां लड़ो। तो एक बार स्वर्ग चला गया इंद्र से लड़ाई करने के लिए, इंद्र तो चला स्वर्ग छोड़ के चले गए, तो इंद्र से लड़ाई नहीं, बोला नहीं किसी से तो दो दो हाथ करेंगे, तब तब तो कुछ मजा नहीं आएगा। तो फिर अब जल में प्रवेश किया, तो वहां वरुण देव से मिले, जल के देवता है वरुण देव। तो वरुण देव को जाके तुरंत सोची क्या किया जाती है, वो हिरण्याक्ष गया वरुण देव को प्रणाम किया, बोला भगवान आप सृष्टि के रचयिता, आप सबसे बड़े प्रभु हैं, दो दो हाथ हो जाए, ये कौन सा प्रणाम करने का स्टाइल है। आज सोचिए जाके प्रणाम, एकदम पूरा दंडवत प्रणाम, और दंडवत प्रणाम करने के बाद क्या बोल रहे हैं,
कि दो दो हाथ करना चाहते हैं, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। तो प्रणी पट्टे निकट पर एकदम निकट चरणों के निकट प्रणाम किया और जगात में देही आप मुझको दीजिए। अभिराज, हे अभिराज, आप सृष्टि करता है, आप संपूर्ण जगत के भगवान है। वरुण जी ऐसे भगवान नहीं है, वो तो भगवान के दास है, देवता है। तो बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, आप हमको युद्ध दीजिए। क्या दीजिए? और युद्ध लड़ेंगे। तो वरुण जी देखे जब हिरण्याक्ष को, बड़ा थोड़ा में था। वरुण बोले, अब तो हम बूढ़े हो गए, लड़ाई झगड़ा छोड़ दिए। देखो तुम्हारी टक्कर का एक व्यक्ति हम जानते हैं। हाँ, कौन है बताओ? बोले विष्णु। ये विष्णु तुम्हारा गर्व चूर चूर कर देगा। वरुण जी बहुत बढ़िया थे, हिरण्याक्ष नहीं समझा क्या बोल रहे हैं। बोले उनसे युद्ध करोगे तो विष्णु तुम्हारा युद्ध का गर्व चूर कर देगा, तुमको गिरा देगा और तब तुम्हारा शरीर कुत्तों से गिरा रहेगा। ये प्राकृतिक शरीर क्या है? हिरण्याक्ष सोचा था हमारा शरीर बड़ा पवित्र है, बड़ा दिव्य है, ये है वो है, पर इस शरीर क्या है? चमड़े का। अभी हम इसमें इतना घमंड करते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं। जब गिर जाएगा ये शरीर, किसी काम का नहीं रहेगा, मर जाएगा। जब शरीर खत्म हो जाता है, मर जाते हैं, उसके बाद कौन इसका भोजन करता है? कौन फीस्ट करता है? भाई, या तो अग्नि, अग्नि को मिल जाएगा। यदि अग्नि को नहीं मिलेगा तो कुत्तों को मिलेगा। और कुत्तों को नहीं मिलेगा, मान लीजिए दफना दिया तो कीड़े खाएंगे, कृमि भोज, उनका भोजन हो जाएगा, फीस्ट हो जाएगी। क्या है शरीर? इस शरीर में आसक्त, दिन रात इसको सजाना, इसको सवारना, इसी में व्यक्ति लगा रहता है। वह है ना यार, तो अच्छा, तो विष्णु हमको टक्कर दे, ठीक है, कहाँ मिलेगा? वरुण जी कुछ नहीं बताए। तो नारद जी देखे कि ये विष्णु से मिलना चाहता है। नारद जी परम साधु, अरे कौन विष्णु से मिलना चाहता है? तो ढूंढते रहते हैं हमेशा। जिसके मन में इच्छा है विष्णु से मिलने की, तो पहुंच जाते हैं कि हम बता देते हैं कहीं विष्णु। तो बताए कि विष्णु जो है वो समुद्र के भीतर चला गया है, वहां से पृथ्वी को निकाल रहा है। अच्छा, सूअर के रूप में दिखाई पड़ेगा तुमको। तो हुआ क्या था, जब ब्रह्मा जी मनु महाराज को बोले कि तुम पृथ्वी पर शासन करो, तो मनु महाराज देखे पृथ्वी तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। तो ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले कि जहां का आप हमको राजा बनाए हो, वो प्रॉपर्टी किधर है? वो राज्य किधर है? पृथ्वी कहीं है नहीं। और बेचारे ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए कि पृथ्वी किधर गई है। तो तब तक चिंता ग्रस्त ब्रह्मा जी को छींक आया, और जैसे ही छींके तो उनकी नासिका से एक छोटा सा, एकदम सरसों के दाने जितना छोटा सुअर निकला, और देखते ही पूरा इतना बड़ा विशाल सुअर हो गया। तो और उसके बाद वो जल में चला गया, और एकदम भीतर जा जाके वहां पर एकदम भीतर, जहां असुर पृथ्वी को छिपाया था, पृथ्वी को अपने दांतों पर लेके भगवान ऊपर आ रहे थे। तब तक है नया देखा, तो मायावी विष्णु तू सुअर का रूप है? अरे रुक, तो जंगली सुअर गाली दे रहा है, थोड़ा इन लोगों चुप कीजिए, उनको बोलिए चुपचाप सजाई करेंगे, नहीं तो हटवा देंगे। इनको चुप कीजिए ना, उनको शांति से तैयारी करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एकदम गाली दे रहे, रुक रुक रुक, कहाँ जाता है तू? तेरे को अभी बता दूंगा, मेरे से डर के भाग रहा है, तेरी हिम्मत नहीं है फेस टू फेस मेरे से युद्ध करने की, कहाँ भागता है? अरे जंगली सुअर। अब भगवान तो अपने दांतों पे पृथ्वी को लिए थे, और उनको क्या चिंता थी, पृथ्वी की रक्षा करनी है। तो वो गाली सुनते रहे, भगवान देता रहे तू गाली, कोई दिक्कत नहीं। वो हाथी चले बाजार, अब वो गाली देता रहे। भगवान का मन लगा था अपने काम में, जितना मर्जी गाली दे, भगवान हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि देखो अपने काम में व्यक्ति को इतना व्यस्त होना चाहिए, इतना व्यस्त होना चाहिए कि करोड़ों लोग आपको पीछे से गाली दें, कुछ भी दें, फर्क नहीं पड़े, हम अपना काम में लगे हैं, अपना जीवन में आगे बढ़ना है, अपना जो प्रोजेक्ट नहीं है उसमें सक्सेस प्राप्त करनी है। इस सबसे ज्यादा घबराना नहीं कौन गाली दे रहा है, भगवान हर चीज से शिक्षा दे रहे हैं।
अच्छा लेके गए पृथ्वी को और जल के ऊपर स्थापित कर दिए, अपनी शक्ति संचारित कर दिए जिससे कि पृथ्वी जल में डूबेगी एकदम स्थिर रहेगी। तब पीछे मुड़ रहे हैं बोले हाँ तो बात तो तुम सही कह रहे हो, जो कह रहे हो सत्य कह रहे हो, सत्य ही बोल रहे हो, हम लोग तो जंगली सुअर है। कह रहे सत्यम वयम भो वन गो चरा मृगा, हम तो जंगली सुअर है जंगली पशु है, मगर मृगा युष्मद विधान मृगयो ग्राम सिंहान, मगर तुम्हारे जैसे गांव के शेर हमेशा ढूंढते रहते हैं। भगवान का गाली देने का स्टाइल देखिए कितना बढ़िया, कह रहे हम तो जंगली सुअर है ठीक है, मगर हम ढूंढते किसको हैं, तुम्हारे जैसे गांव के सिंह को ढूंढते रहते हैं। गांव का शेर कौन होता है, गांव का शेर कौन होता है, कुत्ता। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, ये कहावत यही शास्त्र से आई है। गली का कुत्ता गली में अपने आप को क्या समझता है, शेर से कम थोड़ी ना हूं। तो बोले तुम्हारे जैसे गली के कुत्ते को हम हमेशा ढूंढते रहते हैं। तब भगवान उस हिरण्य से युद्ध किए, हाथ में गदा लेके, दोनों गदा लेके ऐसे बढ़िया युद्ध कर रहे हैं। हिरण्य भगवान की छाती पे मार रहे हैं और भगवान पहले ऐसे साइड हो गए, तो साइड हो गया बच गया, मगर अब कैसे बचेगा, फिर देके मारा। तो दोनों आपस में गदा युद्ध कर रहे हैं, तरह तरह से बहुत युद्ध किए और अंत में क्या हुआ कि भगवान हिरण्याक्ष का वध कर दिया। तो इस तरीके से भगवान दूसरा जो रूप धारण किए थे, क्या सुअर का रूप धारण किए, पृथ्वी का उद्धार किए और हिरण्याक्ष नाम के असुर का वध किया। तब तीसरा अवतार भगवान नारद जी के रूप में लिए। तो नारद जो है, नारद भी भगवान के अवतार है। कैसे अवतार है, शक्तावेश अवतार है। नारद जी तो एक जीवात्मा है, मगर भगवान ने एक विशेष शक्ति नारद जी में रखी है। वो शक्ति क्या है, भक्ति की शक्ति है। तो भगवान की भक्ति के ही अवतार कहा जा सकता है एक जीव, मगर भगवान ने अपनी कृपा शक्ति, अपनी ज्ञान शक्ति, अपनी उद्धार करने की शक्ति, अपनी भक्ति की शक्ति को नारद जी में रख दिया। तो नारद जी इसलिए जहां जाते हैं तो वहां क्या करते हैं, उनकी प्रेजेंस से, उनके जाने मात्र से, उनके दर्शन मात्र से, उनके प्रवचन मात्र से, उनके कीर्तन मात्र से, कैसे भी नारद जी के संपर्क में जितना लोग आए सबके सब भगवान के भक्त बन गए। किसी स्तर का जैसा तैसा व्यक्ति क्यों ना हो, जो नारद जी के संग में आता वो हरि भजन में लग जाता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दो अवतारों का चरित्र हम सुने और आगे अब कल से आगे के अवतार की कथा सुनेंगे। हरे कृष्ण ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की नेताई गौर हरि के वंदे। कुछ अभी भजन जाएंगे मिथिला में रहने से बहुत फायदा होगा आपको। पहला फायदा मिथिल मन भावन व्यंजन पर सब कंचन धारी हो, मिथिल मन भावन व्यंजन पर सब तुलसारी हो, नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन धारी, नवीन मन भावन व्यंजन पर सब
उतारियो स्वाद भूख बन जाए सुनसाली कर हज के काली हो स्वाद भूख बन जाए सुनसाली बार बार हम करम हो ना हो बार बार हम करम हो ना हो जैसन सुखवा ससुरारी में जैसन सुखवा ससुरारी में ऐसन दूसरा फायदा रोज सवेरे उगटल मल के इतर से नहावाई हो करिया से गोर बनाई एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाई एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाई हो मिथिले में रहुना पहुनाए पहुनाए मिथिले में रहुना जैसन सुखवा ससुरारी में जैसन सुखवा ससुरारी में जैसन सुखवा ससुरारी में ऐसन सुखवा कहुना कमला बिमला दूध मटी में खिचड़ी रोज विनायक हो कमला बिमला दूध मटी में खिचड़ी में कचरी का गा के झूला रोज झुलायक हो रघुनंदन से माने या न माने हो हमर निहोरा रघुनंदन से माने या न माने हो हमर निहोरा रघुनंदन से माने या न माने हो पर ससुराली के नाते परताप के आपन जाने हो पर ससुराली के परताप के आपन जाने हो के आप जाने या मिजले में रह जइयो
बारी में ऐसन सुखवा के होना ए बहुना मिथिले में रहूना ए बहुना ए मिथिले में रहूना ए बहुना